आपको बहुत सारी चीजें हम आपको बताई थी, किस तरह से पबने चलती हैं, कैसे वो विक्षेपित होती हैं, कौन सी पबन है वो किस अक्षांश की ओर चलती है, कैसे उनमें शिफ्टिंग होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि जब जो सूरज होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, यानी कि उसका उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो उसी हिसाब से ताप पेटियां हैं वो भी शिफ्ट करती हैं। अगर ताप पेटियां शिफ्ट करेंगी तो दाब पेटियां भी शिफ्ट करेंगी, अगर दाब पेटियां शिफ्ट करेंगी तो पवन पेटियां होती हैं वो भी शिफ्ट करती हैं। तो पवन पेटियां अगर शिफ्ट करेंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी अक्षांशों पर अलग अलग समय पर जो पवने होती हैं वो एक जैसी नहीं चलती हैं, उनकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है, उनकी विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से उन सारी चीजों के बारे में बताए थे, और इसी कारण से अगर पवन पेटियां हैं वो अगर हमारी विस्थापित होंगी तो आपको पता है कि जो हमारी वर्षा पेटी है वो भी विस्थापित होगी। लेकिन वर्षा कैसे होती है, कहाँ पर होती है, तो चलिए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्षा है। अगर हमारे पास समय बचता है तो आपको वाताग्र के बारे में पढ़ाएंगे, इसके अलावा हम अगर टाइम और बचता है तो आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में, आपको एकदम लहरों की तरह वेव की तरह भी उड़ाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से जेट स्ट्रीम चलती है, कितने प्रकार की होती है, और भारत के लिए एक स्पेशल जेट स्ट्रीम बनाई गई है वो भी हम देखेंगे। तो भगवान ने बहुत सारी स्पेशल स्पेशल चीजें हैं वो बनाई है। ओके, अगर देखिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कॉल भी आज नहीं कर सकते और आज आपके हम मैसेज भी नहीं देख सकते, यहाँ से हमको मैसेज चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन आ गया है। ओके, जो लोग भी आ गए हैं एक बार मैसेज करें। ओके, यहाँ पर सिप्रा सिंह आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, और लोग भी आ जाइए क्योंकि अभी क्लासेस कल की ऑफ थी, थोड़ा सा ठंड वंड लग गई थी। ओके, तो आपको परसों आपको पता है कि हम गोला खींच रहे थे लेकिन गोला खींच नहीं पा रहा था, पृथ्वी थी वो अंडे की तरह बन जा रही थी, तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड आपको कुछ ज्यादा ही लग गई, तो कल हमारी बहुत तबीयत बेकार हो गई थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको हम पढ़ाए थे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में, पवन पेटियों के बारे में हम आपको पढ़ा दिए। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग और क्या क्या देखेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण। ओके, तो देखिए अगर हम वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करें तो देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा कि हम वायुमंडलीय परिसंचरण को तीन भागों में बांट सकते हैं, यानी कि प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण, द्वितीय वायुमंडलीय परिसंचरण और तृतीय वायुमंडलीय परिसंचरण। ओके, इन तीन में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत क्या आता है, प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण, और हम आपको बताएंगे फिर द्वितीय या फिर द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे तृतीयक। ओके, तृतीयक में देखिए अगर हम प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, एक तो हम अध्ययन करेंगे जेट स्ट्रीम का। ओके, तो जेट स्ट्रीम होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, उससे संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर बता देंगे उसके बारे में जो सिद्धांत है उसके बारे में, क्योंकि सिद्धांत है वो आपको नहीं पढ़ने होते हैं, ऑप्शनल वाले स्टूडेंटों को पढ़ने होते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत भूमंडलीय पवने आती हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, भूमंडलीय पवने आती हैं जिनके लिए दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम आपको बताए थे स्थाई पवने। ओके, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है स्थाई पवनों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। एक तो हम आपको बताए थे व्यापारिक पवन, इसके अलावा एक पछुआ पवन के बारे में बताए थे, इसके अलावा आपको एक ध्रुवीय पूर्वी पवन के बारे में बताए थे, जो कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें ध्यान होंगी। और द्वितीय वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चक्रवात आते हैं। ओके, चक्रवात, और हम लोग देखते हैं प्रतिचक्रवात। ओके, प्रतिचक्रवात। ओके, जिस चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलेगा और एकदम हलवा की तरह आपको रटा देंगे, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बना देंगे इसका कि दिमाग से लिख ले गई नहीं। ओके, चक्रवात के अंदर जो वायु होती है वो गोल गोल घूमती है, लेकिन आप इसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग गोल गोल नहीं घूमने वाला। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो देखिए
चक्रवात में भी हम आपको पढ़ाएंगे दो तरह के जो चक्रवात होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं बाताग्र चक्रवात के नाम से, आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा आप लोग सुना होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, ओके, तो उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह से तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत स्पेशली मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे। मानसून तो देखिए भारत के लिए स्पेशली मानसून यहाँ पर वही बना है, ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ में हम लोग देखेंगे स्थानीय पवने, स्थानीय पवने, तो देखिए स्थानीय पवने आपका टॉपिक है, HW है, बचपन में मिलता होगा ना HW, बचपन में नहीं, अभी तो आपको बचपन आ गया नहीं होगा, ओके, लेकिन स्कूल टाइम में पहले ऐसे हम लोग लिखते थे HW होमवर्क, ओके, और होमवर्क मिलता था उसको लिख लेते थे लेकिन घर पे पूरे नहीं करते थे, स्कूल में आते थे ना तो प्रेयर से पहले, और जब क्लास के टीचर आते हैं ना तो 5 मिनट का समय मिलता था ना, उसी जल्दी जल्दी से लिख लेते थे। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो समझ लीजिए हमारी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लोग अच्छे होंगे एकदम बढ़िया वाले होंगे हैं तो आप लोग क्या करते होंगे घर से कंप्लीट करते होंगे आराम से, लेकिन हम घर से नहीं करते थे, ओके। अब आप लोग मैसेज करते होंगे तो हम आपके मैसेज नहीं देख पाएंगे कि आज हमारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो है एक्चुअली, ये डाउन हो गया, ये मतलब आए नहीं थे, इसको देखे नहीं थे तो ये नाराज हो गया बेचारा, क्योंकि तबीयत बेकार होगी तो ऊपर हम आए नहीं थे तो ये खुला रह गया, इसका वाईफाई ऑन रह गया, तो लगभग 48 घंटे तक इसका वाईफाई ऑन रहा तो ये डाउन हो गया, नाराज हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं इन सारी चीजों को, ओके। तो देखिए सारे टॉपिक को कैसे लिंक किया जाता है, देखिए ऐसे नहीं कि बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिए पेज दर पेज और कुछ समझ में तो आ नहीं रहे, लिंकिंग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए जो इंटरलिंकिंग होती है ना ये ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे ना आपके आगे के 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और आगे के जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पीछे के सभी टॉपिक का रिविजन हो जाएगा। कैसे, अब आप लोगों को समझ में आया होगा सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो 10 क्लासेस करने के बाद ही समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज है ना वो पृथक नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्लब क्या है, क्लब है कि यहाँ पर सभी के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ना, इंडिविजुअल चलोगे तो क्या हो जाएगा कोई रोन के चला जाएगा। तो देखिए जैसे हम आपको पढ़ाए थे अभी वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण, तो देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण की अगर बात करें, अगर वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा इसका जो लिंक है मतलब इसका संबंध जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा तापमान। सबसे पहले हम आपको तापमान ही पढ़ाए थे ना, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, वैसे तो ज्यादा चीजें याद नहीं आती हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो चीजें भाई याद आ जानी चाहिए, ओके। हम पढ़ाए थे आपको तापमान पढ़ाए थे, ओके, तापमान के बाद हम आपको थोड़ा सा आर्द्रता पढ़ाए थे, ध्यान होगा थोड़ा सा आर्द्रता के बारे में कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, ओके, और विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। और सापेक्ष आर्द्रता में ही हम आपको बताए थे कि किस तरह से वायु संतृप्त होती है और उष्मांक बिंदु प्राप्त करने के बाद में जल वाष्प है वो जल के रूप में या फिर हिम के रूप में बदलता है, कब बदलता है कैसे बदलता है, तो वो सब कुछ आपको बता चुके होंगे। थोड़ा सा दिमाग पर आपको जोर डालना है, ठंड में क्या हो गया होगा जो दिमाग की नसें हैं थोड़ा सा जाम हो गई होंगी, कोई बात नहीं थोड़ा सा उन पे प्रेशर डालिए। तो देखिए एक हम आपको पढ़ाए थे तापमान, तापमान के बाद हम आपको पढ़ाए थे आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ओके, और इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे तापमान के बाद पढ़ाए थे दाब, यानी कि दाब कटिबंध हम आपको पढ़ाए थे, ओके, दाब कटिबंध आपको पढ़ाए थे, ओके, तो ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। और दाब कटिबंध के बाद में हम आपको पढ़ाए थे वायु राशियां, तो इधर देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण आ गया, तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा, अगर हम इसका लिंक करें मतलब जुड़ाव करें तो आपको देखने को मिलेगा वायु राशियां, ओके, तो वायु राशियों के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। और जैसे ही आप लोग वायु राशियां कवर करेंगे तब आप लोग देखेंगे किस तरह से हम जलवायु का प्रादेशिक अध्ययन कर लेंगे, जलवायु है कहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है, महाद्वीपों के किस किनारे पर किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, किस स्थान पर कौन सी जलवायु देखने को मिलेगी, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप जलवायु, जलवायु है उसका संबंध आपको इससे देखने को मिलेगा, तो जलवायु प्रदेश जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे ना, जलवायु प्रदेश जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे आपको वनस्पति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वनस्पति आप अपने आप पढ़ लेंगे। और वनस्पति जैसे कि कहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उन वनों की विशेषता क्या होगी, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही जलवायु और वनस्पति पढ़ लेंगे ना
बायोडाइवर्सिटी से उसका लिंक हो जाएगा। हम बता देंगे कहां पर किस प्रकार की, आपको पता चल जाएगी कहां पर किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। आज देखिए गरम गरम चाय पीके हमारी दीदी लेकर के आई है, तो थोड़ी देर में इसको पियेंगे वरना भूल जाएंगे आपको क्या बता रहे थे। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे ही वनस्पतियां कवर कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा मैंग्रोव वन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, या फिर आपको जो वर्षा सदाबहार वर्षा वन होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी, या फिर पहाड़ों पर देखने को मिलेगी, टेंगा टूडला में देखने को मिलेगी। आखिर कैसे समझ में आएगा भाई? तो आप इन सभी को जब आप लिंक कर देंगे ना इन्वायरमेंट बन जाएगा। इन्वायरमेंट को आप कभी डायरेक्ट ऐसे बुक उठा करके नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे तो इन्वायरमेंट आपके लिए हलवा लगने लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे ही इन तीन चीजों को आप पढ़ लेंगे, मतलब तीन नहीं इन चार चीजों को आप जैसे ही पढ़ लेंगे, मतलब वायुमंडलीय परिसंचरण को, तापमान को, आर्द्रता को और वायु दाब को जैसे ही आप पढ़ लेंगे आप लोग समझ जाएंगे वर्षण को, प्रिटिपिटेशन जिसको बोलते हैं, मतलब वर्षण बोलते हैं जिसको, वर्षण समझ जाएंगे। वर्षण का मतलब क्या है आखिर? वर्षण हम वर्षा क्यों नहीं बोले? देखिए वर्षण का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रिटिपिटेशन इसके अंतर्गत जो वर्षा होती है सभी प्रकार की वर्षा को इसमें शामिल कर लिया जाता है, इसीलिए इसको प्रिटिपिटेशन बोलते हैं। जैसे कि वर्षा होती है वो जल के रूप में हो सकती है, हिम के रूप में हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, तो इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देते हैं? वर्षण बोल देते हैं, प्रिटिपिटेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ओके, तो प्रिटिपिटेशन। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रिटिपिटेशन को यानी कि वर्षण को देखते हैं कि बारिश कैसे होती है। आज देखिए बारिश का मौसम होता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा होने लगती है तो समस्या आ जाती है। तो आज हम लोग देखते हैं और इसका हम लोग वितरण भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ए टू जेड। वर्षण के बारे में आज हम लोग बहुत सा विस्तार में जानने वाले हैं, और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एच डब्ल्यू में देंगे, कुछ कुछ काम आप एच डब्ल्यू में भी तो मिला करेंगे। और अचीवर बैच वालों के लिए साथ में टास्क भी मिलता है सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आप टास्क मिलता है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह डेली सुबह 8 बजे आप जाइएगा, सुबह सुबह उठेंगे और प्यार से वहां पर जाइए, शॉर्ट वीडियो होती है 54 सेकंड के लगभग में होती है, उसमें आपको टास्क बता दिया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए पढ़ा हम यहाँ पर रहे हैं, और वहां पर जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी आपको रीड करते हुए चल रही है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लोगों ने एक क्लास कर ली। ओके, बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखिए बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देने लगे तो लूसेंट उठा करके हम आपको पढ़ाने लगेंगे, क्या फायदा उससे। तो देखिए उसमें जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुआ करे वो यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेनी है, बस इतना ही करना है प्यार से। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं प्रिटिपिटेशन के ऊपर। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो जगह है नहीं, इसलिए हम आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं वर्षण के बारे में। चलिए देखते हैं वर्षण के बारे में, मतलब प्रिटिपिटेशन, इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसा नहीं है पीटी का ही है, सिर्फ मेंस का भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्षण की प्रक्रिया, वर्षण की प्रक्रिया से, वर्षण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, समझते हैं। देखिए आज आप लोग अपने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन उन प्यारे प्यारे मैसेज को हम देखने में सक्षम नहीं है, बाद में देख लिया करेंगे। ओके, इसमें कंप्यूटर में ही हम देख लिया करेंगे, लेकिन मोबाइल हमारे सामने नहीं है, तो ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आज हमारा फोन डाउन है और दूसरा फोन है वो आज हम लाना भूल गए, वो नीचे ही पड़ा हुआ है, तो इस वजह से आपके मैसेज नहीं देख पा रहे। तो देखिए वर्षण, वर्षण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग आंसर आराम से कर देंगे। दूसरा है वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं, वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं। तो अगर ये आए इसमें, जैसे वर्णन करें, टिप्पणी करें, कोई भी आ जाए, तो आप लोग इनका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर
वर्षण के प्रकार से आप क्या समझते हैं, वर्षण के प्रकारों के बारे में बताएं, तो अगर इस तरह से भी आए तो भी आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्षण में आपको क्या पढ़ेंगे, वर्षण के प्रकारों के बारे में, वर्षण के प्रकारों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। ओके, तो देखिए वर्षा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा संवहनीय, संवहनीय वर्षा मतलब वर्षण, ओके, जिसको कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दूसरी प्रकार की आपको देखने को मिलेगी पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा या फिर वर्षण, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा, ओके, वर्षण आपको देखने को मिलेगा। और इसी में हम आपको बादलों के प्रकारों के भी बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो काली काली कटाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि बादल आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कि कहां पर किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, वो भी आप लोगों के लिए बताएंगे, ओके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं है इसलिए आगे वाले पेज पर हम लिख देते हैं, आप लोगों को वहां पर ही कंटिन्यू ये लाइन को रखना है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे वर्षण के वितरण के बारे में, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कहां कहां पर किस प्रकार की बारिश और कितनी मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाद्वीपों के ऊपर भी आपको बताएंगे कि महाद्वीपों के किस ओर और कहां कहां पर आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही आप लोग इसको समझ जाएंगे वनस्पति को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो मरुस्थल होते हैं वो आपको महाद्वीपों की पश्चिमी साइड पर ही क्यों अक्सर देखने को मिलेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करें वर्षण का वितरण, ये आपको हम पढ़ाएंगे, तो देखिए वितरण में हम आपको दो रूपों से बताएंगे कि किस तरह से वर्षा का वितरण हमारे यहाँ हुआ है। तो एक तो हम देखेंगे अक्षांशीय, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं अक्षांशीय, या फिर जिसको बोल सकते हैं मंडलीय वितरण, मंडलीय वितरण जिसको बोल सकते हैं, ओके, ये आपको पढ़ेंगे। मतलब जो अक्षांश होते हैं, जैसे इक्वेटर के समीप कितनी बारिश होती है, 30 डिग्री के समीप कितनी बारिश होती है, 40 डिग्री के समीप कितनी बारिश होती है, मतलब जो क्षेत्र होते हैं, तो कटिबंधों के अनुसार हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे देशांतरीय, देशांतरीय या फिर इसको बोल सकते हैं प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक वितरण, ओके, तो प्रादेशिक वितरण है वो आपको पढ़ाएंगे, ओके। और बस यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज और पढ़ाएंगे बादलों के प्रकारों के बारे में, बादलों के प्रकारों के बारे में पढ़ाएंगे, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को कोई भी मैसेज करना है तो भी मैसेज कर सकते हैं, अभी आप लोग मैसेज देखते हैं, चाहे बहुत मत बनाइए दीदी हमारी, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप लोगों के मैसेज देख लेते हैं, ओके, मैसेज करिए जो लोग भी आप लोग मैसेज करना चाहते हैं। गुड इवनिंग, यहाँ पर विवेक यादव बोल रहे हैं वेरी गुड इवनिंग, ओके, तो अभी आप लोगों के कोई भी मैसेज नहीं है, एक बार ग्रुप में जाकर के मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ओके, क्लास ज्वाइन कर लें, वो सोच रहे होंगे कि आज भी क्लास ऑफ होगी, एक बार जाकर के आप लोगों में से कोई मैसेज कर दे, जब जब तक हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, फिर आपको आगे ले जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको ले जाते हैं। देखिए चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, तो पहले सबसे पहले आपको बताते हैं बादलों के प्रकारों के बारे में पढ़ा देते हैं, फिर इन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, बादलों के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए अगर हम बादलों के प्रकारों की बात करें तो आपको हम बताए थे एक तो क्षोभ, जो क्षोभ मंडल होता है वहां पर आपको बादल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको समताप मंडल में भी, आपको वायुमंडल टॉपिक थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम आपको वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा रहे थे तो समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा, वहां पर हम MPC बताए थे, मतलब मदर ऑफ पल्स क्लाउड के बारे में बताए थे, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके आगे वाले तापमंडल में, तो तापमंडल में भी हम आपको पढ़ाए थे कि नेक्टोलैंड क्लाउड होता है, तो इनका निर्माण कैसे होता है, तो मदर ऑफ पल्स क्लाउड होता है, इसका निर्माण होता है पृथ्वी के द्वारा आर्द्रता जो चली जाती है, और पृथ्वी के द्वारा ही जो धूलगण होते हैं वो चले जाते हैं, तो उनसे मिलकर के एक बादल का निर्माण हो जाता है समताप मंडल में, इसी को बोलते हैं मदर ऑफ पल्स क्लाउड के नाम से जानते हैं।
और इसके ऊपर जो न्यूक्टालेंट आपको देखने को मिलेगा वो ब्रह्मांड के द्वारा, धूल कण जो होते हैं वो ब्रह्मांड के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जल तो भैया कहाँ से मिलेगा, हमारी पृथ्वी से ही मिलेगा। तो हम पृथ्वी से आर्द्रता मिल जाती है और उससे फिर संघनन की प्रक्रिया होकर के एक छितरे छितरे दूर दूर बादलों का निर्माण होता है जो आपको बहुत ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे, तो उनसे बारिश नहीं होती। तो चलिए आपको बादलों के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा बादलों की सहर कराते हैं, फिर आपको दिखाएंगे भी। ओके, तो देखिए हम आपको इस तरह से पढ़ाए थे, जैसे कि मानते हैं ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, प्यारी है, आप लोगों को अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। ओके, और ये क्या है, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी का, ओके, इस तरह से क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है। ओके, अब इस क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ सीमा की हमको आवश्यकता नहीं है तो नहीं बनाते हैं क्षोभ सीमा, कोई बात नहीं। फिर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल। ओके, तो समताप मंडल, समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा, तो समताप मंडल के अंदर भी क्लाउड पाया जाता है, मतलब बादल पाए जाते हैं। तो वो कौन से आपको बादल देखने को मिलेंगे, इस तरह से बहुत ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेंगे, जब आसमान साफ होता है तब ये दिखाई देता है। तो जब भी धूप खिली हुई होती है, मौसम साफ हो, तो सफेद सफेद कलर के जो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे उन्हीं को बोलते हैं मदर ऑफ पल्स क्लाउड बोलते हैं। और ये देखिए किस प्रकार के होते हैं, ये जो आर्द्रता होती है, मतलब भाई बादल बनने के लिए आवश्यकता होगी ना आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी को, दूसरा क्या, धूल कण की आवश्यकता होगी, धूल कण की आवश्यकता होगी, मतलब नाभिकों की भी आवश्यकता होगी ना, नाभिक के बिना बादलों का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए आर्द्रता और धूल कण दोनों किससे मिल जाते हैं, पृथ्वी से मिल जाते हैं, और समताप मंडल में जाकर के निर्माण कर देते हैं एमपीसी, मदर ऑफ पल्स क्लाउड का, लेकिन इनके द्वारा वर्षा नहीं होती है। लिख लीजिए भाई, ये हाथी के दिखाने वाले, सॉरी हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं, खाने वाले नहीं, कहने के लिए बादल है, लेकिन ये वर्षा नहीं कराता है भाई। ओके, ये वर्षा नहीं कराता है, आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसके ऊपर का जो वायुमंडल होता है वहां पर आपको न्यूक्टालेंट क्लाउड देखने को मिलेगा। देखिए ये इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेगा कि आर्द्रता ही चाहिए हमको, बादल बनेगा तो भाई आर्द्रता चाहिए ना, और दूसरा हमको क्या चाहिए, धूल कण चाहिए, धूल कण हमको चाहिए। तो देखिए आर्द्रता कहाँ से मिलती है, इसमें पृथ्वी से मिल जाती है, इस ये आपको तापमंडल में देखने को मिलेगा। और देखिए ये धूल कण है, ये कहाँ से आपको मिलते हैं, धूल कण है ये हमें बाह्य अंतरिक्ष से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं भाई, अंतरिक्ष से मिलते हैं, जैसे जो एस्ट्रॉइड होते हैं, ईटा पत्थर होते हैं, मतलब चट्टानी होती है, वो एस्ट्रॉइड आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आते हैं और पृथ्वी के जब वायुमंडल में आते हैं तो जल जाते हैं, जल जाते हैं तो धूल कण बन जाते हैं, तो उन्हीं से नाभिकों का निर्माण हो जाता है। तो ये भी जो बादल होते हैं, न्यूक्टालेंट क्लाउड्स होते हैं, ये भी वर्षा नहीं कराते। तो देखिए ये तो हमारे मतलब के नहीं है भाई, ये हमारे मतलब के नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बारिश ही नहीं करा रहे, बारिश बाद कौन से कराते हैं भाई, बारिश कराते हैं क्षोभ, जो क्षोभ मंडल के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे समानता, तीन प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ओके, समानता आपको तीन प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होते हैं बहुत ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए ऊंचाइयां होती हैं, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, कुछ बुक्स वाले होते हैं वो भी लिख देते हैं, लेकिन ऊंचाइयों ऊंचाइयों के बारे में अभी मत जाइए, फैक्ट्स के ऊपर अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए एक बादल होते हैं जो आपको क्षोभ मंडल में बहुत ऊपर देखने को मिलेंगे, और एक किस तरह होते हैं, एक कपास की तरह होते हैं, कपास देखिए, रुई देखिए ना, रुई की तरह होते हैं, इस तरह से छितरे छितरे आपको देखने को मिलेंगे, अधिक ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये प्रक्षोभ बादल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक बादल होता है वो लंबवत होता है, कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से लंबवत होता है। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये ऊर्ध्वाधर बादल है, इस तरह से, मतलब आपको देखने को मिलेंगे कि ये ऐसे चौड़ाई में ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये ऊंचाई में बहुत होंगे। ओके, इस तरह के एक बादल आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरे प्रकार के जो बादल आपको देखने को मिलेंगे, दूसरा कलर कर देते हैं वरना एक ही जैसे आपको लगने लगेंगे, तो एक होते हैं ना ऐसे बहुत जगह में विस्तारित होंगे और साथ में लेयर दर लेयर बने हुए होंगे, और ये आपको बहुत नीचे देखने को मिलेंगे, जब काली घटाएं आती हैं तो वो आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस तरह के तीन प्रकार के जो बादल हैं यही वर्षा कराते हैं भाई। तो देखिए पहला वाला है, इसको बोलते हैं प्रक्षोभ बादल,
अब देखिए कहां पर लिखे हैं, तो यहां पर ही लिख देते हैं, जो ऊपर आपको व्हाइट कलर से ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रक्षाप बादल। प्रक्षाप बादल, ओके। तो देखिए ये पहला हो गया, और दूसरा है ये वाला, देखिए ये जो लंबवत प्रकार के होते हैं, ये दूसरे वाले हैं, इनको बोलते हैं वर्षा कपासी बादल। वर्षा कपासी बादल, ओके, वर्षा कपासी बादल। और जो तीसरे हैं, जो येलो कलर से हम बनाए हैं, तीसरे कलर के, मतलब ये ऐसे लेयर्स में होते हैं, मतलब परत दर परत होते हैं, और ये मोटे तो ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चौड़े देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्षेत्र में होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्षेत्र में होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं वर्षा स्तरी बादल। क्या होते हैं? वर्षा स्तरी बादल। अब देखिए, अब इनको देखिए, अच्छा समझिए। देखिए प्रच्छाव बादल होते हैं समानता बारिश नहीं कराते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा बारिश कराते हैं, बहुत कम, मतलब ऐसे बूंदाबांदी हो जाती है थोड़ी सी बस, ओके। तो वो उस टाइप का आपको, आपने सुना होगा बदली आ गई, जो बदली वाले हैं ना, ये प्रच्छाव बादली होते हैं, जैसे एक सेकंड के लिए आते हैं, ऐसे थोड़ी सी बारिश रह करके चले जाते हैं घूमते फिरते हुए, तो वो ज्यादा बारिश नहीं कराते हैं, ऐसे बूंदाबांदी कराई, जैसे आपने देखा होगा इधर बारिश हो रही और दूसरे की छत पे बारिश ही नहीं हो रही, तो वो क्या होता है, वो आपको यही देखने को मिलेंगे भाई, ओके। लेकिन देखिए वर्षा कपासी बादल होते हैं, ये कैसे बादल होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, इनकी जो मोटाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये जैसे आपने मशरूम देखा होगा ना, मशरूम की आकृति के होते हैं, और ये जिनका इनका निर्माण होता है, ये संवहनीय तरंगों के द्वारा, संवहनीय जो वायु होती है उसके द्वारा होता है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने की वजह से पानी जल्दी से गर्म होता है, गर्म होकर के तेजी से ऊपर उठता है, और इस प्रकार के बादलों का निर्माण कराता है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां पर वर्षा कपासी बादल आपको दिन के समय देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने महसूस किया होगा गर्मियों के समय अचानक से काली घटा आती है, बहुत तेज बारिश कराती है और फिर चली जाती है, ओके। यानी कि बारिश होती है, अभी मौसम एक घंटे पहले क्या होगा, शांत होगा, लेकिन एक घंटे के बाद 3-4 बजे घंघोर बारिश होगी, बिजली कड़कन होगी, एकदम तड़कर करके बारिश होगी। तो वो कौन सी बारिश होती है? वो वर्षा कपासी बादलों की ही द्वारा बारिश कराई जाती है। तो आपको बताते हैं, देखिए वो किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे से मैप के थ्रू आपको समझाते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं क्योंकि बादल इससे अच्छा दिखेगा। तो देखिए एक बादल कौन सा है, एक बादल आपको देखने को मिलेगा वर्षा कपासी बादल, वर्षा कपासी बादल, ओके। तो वर्षा कपासी बादल कैसे होंगे, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, ओके। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्तरी बादल, वर्षा स्तरी बादल। वर्षा स्तरी बादल कैसे होते हैं, इस तरह से अधिक क्षेत्र में फैले हुए होंगे और लेयर दर लेयर होंगे, मतलब बहुत सारी परतें होंगी इस तरह की, और ये बहुत ज्यादा क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब देखिए विशेषताएं क्या होती है, देखिए वर्षा कपासी बादल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इनके द्वारा जो वर्षा होती है वो आपको देखने को मिलेगी ग्रीष्म ऋतु में, आपको देखने को मिलेगी ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये बारिश वहां कराते हैं जहां पर तापमान अधिक होता है। अब देखिए जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां पर कपासी बादलों के द्वारा यहाँ पर बारिश कराई जाती है। अब देखिए कपासी बादल है, तापमान कहाँ ज्यादा रहता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाए थे तापमान टॉपिक, तो तापमान में आपको ध्यान है, इस तरह से हम पृथ्वी बनाए थे और पृथ्वी में बीच में हम बनाए थे 0 डिग्री और ऊपर बनाए थे 90 डिग्री ध्रुव और नीचे भी बनाए थे 90 डिग्री ध्रुव, ओके। तो आपको देखिए 0 डिग्री के समीप हम आपको बताए थे कि इस क्षेत्र में सूरज की किरणें लगभग में लंबवत पड़ती हैं, तो लगभग में लंबवत पड़ती हैं, इस कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सूरज की किरणें होंगी वो लंबवत पड़ेंगे तो तापमान भी अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ पर इस प्रकार की बारिशें देखने को मिलेगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको कपासी बादलों के द्वारा बारिश होती है, तो यहाँ पर जो बारिश होगी ना वो बहुत भयानक तरीके से बारिश आपको देखने को मिलेगी, मतलब अचानक में बहुत तेजी से बारिश आएगी, ओके। तो आपको इसका पॉइंट लिख लेना है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो तीव्र गति से होती है, तीव्रता के साथ वर्षा होगी नंबर एक, और नंबर तीन आपको देखने को मिलेगा सीमित समय के लिए होगी, सीमित समय के लिए होगी,
मतलब कम समय के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन दो तीन 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 दिन बारिश हो रही है, कुछ घंटे के लिए आती है, दो तीन घंटे, चार पांच घंटे के लिए, मतलब कम समय के लिए आती है, और सीमित क्षेत्र में होगी। सीमित क्षेत्र में होगी, सीमित क्षेत्र का मतलब क्या है, हो सकता है आपके शहर में बारिश हो, पड़ोसी के शहर में बारिश ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में बारिश हो रही है कपासी बांधों के द्वारा, नहीं, एक दो कम क्षेत्र में होते हैं, एक जिले में, एक मंडल में ही बारिश कराते हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो बारिश होती है ना वो विद्युत गर्जन के साथ होती है, विद्युत विद्युत गर्जन के साथ बारिश होती है, मतलब ऐसे बिजली बिजली कड़कती है, धुआं धूम धूम की आवाजें आती हैं, और फिर ऐसे बारिश होती है, चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और जो बारिश होती है वो तीव्रता के साथ होती है लेकिन मात्रा कम होती है, जैसे सेंटीमीटर में हम देखें ना तो अपेक्षाकृत कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको छठा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। ओके, देखिए क्योंकि ये कम समय में कराती है ना तो इसीलिए बहुत तेज बारिश कराती है, मतलब एकदम झमाझम वाली बारिश होगी, लेकिन क्या होता है सीमित समय के कारण इसकी मात्रा कम रहती है। ओके, सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो उसकी मात्रा कम रहती है, लेकिन वहीं अगर हम स्तरी बादलों की बात करें तो देखिए स्तरी बादल होते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, जब वायु हल्के हल्के ऊपर उठती है और हल्के हल्के ऊपर उठ करके स्तरी बादलों का निर्माण कराती है, और साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में जब वायु हल्के हल्के जो पर्वत का ढाल होता है उसके सहारे ऐसे हल्के हल्के ऊपर उठती है तब भी स्तरी बादलों का निर्माण होता है। इसके अलावा जहां पर वाताग्र बनते हैं वहां पर भी स्तरी बादलों का निर्माण होता है, तो इनके द्वारा जो आपको वर्षा देखने को मिलेगी, तो इनके जब स्तरी बादलों के द्वारा वर्षा देखने को मिलेगी तो वो धीमी गति से होती है भाई, धीमी गति से वर्षा होगी, मतलब क्या होगी हल्के हल्के झिमझिम झिमझिम वाली बारिश होगी। तो आप लोगों ने देखा जब मानसून आता है, तो मानसून जब आता है भारत में तो आपने देखा होगा दो दो तीन तीन चार चार दिन तक बारिश होती रहती है, 15 15 दिन, कभी कभार ऐसा होता है कि एक सप्ताह हो जाता है बारिश खुलती नहीं, लेकिन हल्के हल्के होती रहती है झिमझिम वाली, तो वो किससे होती है स्तरी बादलों के द्वारा होती है। और आपको देखने को मिलेगा जो स्तरी बादल होते हैं ना ये विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, मतलब ये क्या होगा जब भी बारिश कराएगा तो ऐसा नहीं तुम्हारे शहर में बारिश हो रही है पड़ोसी के शहर में नहीं हो रही है। ओके, तो जो आपके पड़ोस वाला शहर है उसमें भी बारिश हो रही होगी, पड़ोस वाला राज्य है उसमें भी बारिश हो रही होगी, यानी कि जब भी स्तरी बादलों से बारिश होगी तो वो विस्तृत क्षेत्र में होती है, और विद्युत विद्युत नहीं गरजता भाई, धीमे धीमे हो रही है, प्यार से हो रही है, तो लड़ाइयां झगड़े नहीं होते हैं इसके अंदर, विद्युत गर्जन नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को लाइटनिंग के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी, लाइटनिंग कैसे होती है कि, तो कल आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे लाइटनिंग के बारे में कि लाइटनिंग कितने प्रकार की होती है, मतलब जो विद्युत गर्जन होता है, बिजली गिरती है कैसे गिरती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब कुछ आपको कल पढ़ेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए ये विस्तृत क्षेत्र में होती है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ओके, विस्तृत क्षेत्र में होती है और धीमी गति से होती है और अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। ओके, और इसमें विद्युत विद्युत गर्जन नहीं होता है, यानी कि अगर हम सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा होती है। ओके, और लंबे समय तक होगी, ये तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लीजिए लंबे लंबे समय तक होती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इस तरह से हैं सारी चीजें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हल्के हल्के आगे ले जाएंगे, तो आपको समझ में आ गया ना बादल कितने कितने प्रकार के कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, समझ गए। क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से लेकर के हमने नीचे की जो क्षोभ मंडल की सीमा होती है, क्षोभ मंडल की सीमा के नीचे की जितने बादल होते हैं तीनों प्रकार, वो भी आपको पढ़ाती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारिश के बारे में। चाय भी हमारी ठंडी हो गई है। तो देखिए आपको पढ़ाते हैं थोड़ा सा बारिश के बारे में। आप लोगों के अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं।
ये देखिए इधर स्थल है और इधर क्या है, ये जल है। अगर आप लोगों के डाउट है तो मैसेज कर दीजिए, अभी आप लोग मैसेज देखते हैं। देखिए प्रीवियस क्लासेस आप लोगों के लिए रिवाइज करते रहना, अगर प्रीवियस क्लासेस रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। देखिए आपको समझ में आया ना, कोई भी चीज पृथक नहीं होती है, सब चीज इंटरलिंक होती है। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां पर देखिए बारिश होने के लिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। अब अगर आप लोगों के लिए याद है तो आप बहुत अच्छे से बरसात को समझ जाएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला, छोटा मोटा बड़ा कोई सा भी नहीं। ओके तो चलिए आपको आप समझाते हैं। तो देखिए जब जल की सतह का तापमान बढ़ता है, और जल की सतह का तापमान बढ़ता है तो आपको पता है कि हम आपको बताए थे कि जो जल के अंदर जो संवेदनशील ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा में बदल करके जल से जल वाष्प में चली जाती है, और जल वाष्प में जब चली जाती है तो जल वाष्प हल्के हल्के ऊपर उठता है। ओके जब वाष्प है जब वो ऊपर उठता है तो इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ओके तब देखिए यही जो आर्द्र वायु है, या फिर आर्द्र वायु बोल लीजिए, या फिर आप लोग कुछ भी बोल लीजिए इसको, जो ये वायु है जब ये ऊपर उठती है, आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु मतलब क्या है, इस वायु के अंदर आर्द्रता है, जल है वाष्प के रूप में। ओके आर्द्र वायु क्या करती है, ऊपर उठती है। ओके तब जब ऊपर उठती है तब हम आपको बताए थे इसमें एडियाबेटिक कूलिंग होता है। एडियाबेटिक कूलिंग क्यों होता है, क्योंकि सतह के समीप जो वायु है वो बहुत ज्यादा डेंस पाई जाती है, जैसे जैसे वो वायु ऊपर जाती है तब आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल क्या होने लगता है, विरल होने लगता है। जब वायुमंडल विरल होने लगता है तो जो ये वायु होती है इसमें प्रसार होता है, और प्रसार होने के कारण हम आपको बताए थे इसमें एडियाबेटिक कूलिंग होता है। एडियाबेटिक जब कूलिंग होगा आपको पता है एडियाबेटिक कूलिंग की वजह से इसमें जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा है वो कैसे बढ़ती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता है उसकी मात्रा तापमान के कम होने के कारण बढ़ती है। ओके जैसे जैसे वो बढ़ती है तो वायु एक स्टेप पर जाकर के संतृप्त हो जाती है। जब वायु संतृप्त हो जाती है तब वायु में संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और संघनन की प्रक्रिया के दौरान जो जल वाष्प है वो जल के रूप में परिवर्तित होता है, और जल के रूप में जब वो परिवर्तित होता है तो वो या तो हिम के रूप में परिवर्तित होगा या फिर जल के रूप में परिवर्तित होगा। हम आपको बताए थे हिम के रूप में कब परिवर्तित होगा, जो संतृप्त हुई है जिस तापमान पर, अगर वो तापमान उसी तापमान क्या बोलते हैं, ओशांक बिंदु बोलते हैं, वही ओशांक बिंदु अगर हमें प्राप्त हुआ है 0 डिग्री से 0 डिग्री या फिर उससे नीचे पर तो हीम के रूप में वर्षा होती है, लेकिन अगर ये ओशांक बिंदु हमें 0 डिग्री से प्लस पर मिला है तो जो वर्षा होती है वो आपको जल की बूंदों के रूप में देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ संघनन की प्रक्रिया से बारिश नहीं होती, हमें बारिश होने के लिए संघनन के साथ में नाभिकों का होना आवश्यक होता है। नाभिक का काम कौन करता है, नाभिक का काम है वो नमक के कण हो सकते हैं, सिलिका के कण हो सकते हैं, धूल कण हो सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये नाभिक का काम करते हैं। जब नाभिक का काम करते हैं तो जल की जो छोटी छोटी बहुत ही महीन महीन बूंदे होती है वो आपस में एक अभिकेंद्रीय बल के कारण आकर के आपस में मिलने लगती हैं, और उस बूंद का भार बढ़ जाता है, और बूंद का भार बढ़ जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अब काम करने लगता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उस बूंद के ऊपर तो बूंद ऊपर से नीचे आने लगती है, जैसे सेब है, एडम के सामने सेब होता है वो ऊपर से नीचे पेड़ से नीचे टपक जाता है, वैसे ही जल होता है, जल की बूंद भी ऊपर से नीचे टपक जाती है। ओके और जब यही टपकन टपकन चलता रहता है तो बारिश होने लगती है। तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तब आपको पता है कि इस तरह से बादलों का निर्माण होता है। ओके इस तरह से बादलों का निर्माण होता है। ओके बादलों का निर्माण कैसे होता है, जब जल वाष्प बदलती है जल या हीम में, जल या
हीम में ओके बदलती है। जब जल जल वाष्प जल या हीम में बदलती है तो इसी को बोलते हैं संघनन। ओके क्या बोलते हैं? संघनन मतलब कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, संघनन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ओके देखिए अभी भी बारिश नहीं होगी। बारिश क्यों नहीं होगी? अभी देखिए जल वाष्प है वो जल या हीम के रूप में तो बदल गया, लेकिन ये छोटी छोटी सी बहुत ही महीन महीन से कण होते हैं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इस पर ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या हवा में ऐसे तैरते रहते हैं तैरते रहते हैं। तो जब तक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि क्या इनके लिए, जब आदरता ग्राही नाभिक, यहाँ पर लिख देते हैं हम आदरता ग्राही नाभिक, आदरता ग्राही नाभिक ओके आदरता ग्राही नाभिक जब तक हमारे पास नहीं होंगे, जो छोटी छोटी जल की बूंदें हैं वो आकर के किसी केंद्र पर आकर के नहीं मिलेंगी और उसका भार नहीं बढ़ेगा तो बारिश नहीं होता। चीन बड़ा चालाक था, चीन बोला कि कोई बात नहीं भाई, चीन बड़ा चालाक था। आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में, सुना होगा कभी तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत कि चीन है अब जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर भी बारिश करा लेता है। भाई ऐसा कैसे होता है जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर बारिश करा ले रहा है? क्या अपने आप यहाँ पर वाटर वेपर बना करके बारिश करा रहा है? नहीं भाई, वो क्या करता है हम आपको बताते हैं क्या करता है। तो देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वैसे आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं ओके, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मानते हैं कोई महाद्वीप है ओके, जैसे भारत को ही ले लेता है ओके, भारत को ही ले लेते हैं और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। और आप लोगों को पता है इधर क्या है, थार का मरुस्थल है, ये क्या है थार का मरुस्थल है। मतलब मरुस्थल का मतलब क्या है, देखिए मरुस्थल का मतलब क्या है, मरुस्थल सभी की निगाहों में अलग अलग होता है। अभी हम एक भूगोलविद्ता है तो अगर आप हमसे पूछेंगे मरुस्थल क्या है तो हम बोलेंगे मरुस्थल एक ऐसी जगह एक ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये हमारे नजरिए में। लेकिन एक पर्यावरणविद होगा ना, उससे पूछेंगे मरुस्थल क्या है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जहां पर जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है उस स्थान को हम मरुस्थल बोलते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है मरुस्थल, वो है पर्यावरणविद के हिसाब से। लेकिन एक समाजशास्त्री से पूछेंगे कि आपके नजर में मरुस्थल क्या है तो बोलेगा हमारे नजरिए में मरुस्थल वह है जहां पर आबादी है वो बहुत ज्यादा विरल पाई जाती है, मतलब जनसंख्या घनत्व वह है जहां पर बहुत कम पाया जाता है उसे हम मरुस्थल बोलते हैं। तो हर किसी के नजरिए में अलग अलग है, लेकिन सभी के कहने का मतलब सेम है, सभी के कहने का मतलब सेम है, सब कुछ सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मरुस्थल के ऊपर आते हैं। तो देखिए मरुस्थल वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए मानते हैं यहां से आर्द्र वायु जा रही थी ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा ओके, थोड़ा सा इसको बैक कर देते हैं। अब देखिए जो गोला हमने बनाया ना, ये समझिएगा थार का मरुस्थल है ओके, समझ लीजिए इतना ओके। अब मानते हैं जैसे चीन क्या करता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो चीन यही करता है, देखिए इधर से वायु जा रही थी, क्या जा रही थी, इधर से वायु जा रही थी समुद्र के इधर से वायु जा रही है, क्या जा रही है समुद्र के इधर से वायु जा रही। अब मानते हैं इधर वायु का कोई अवरोध नहीं है, इधर जो हमारे पश्चिमी घाट है इधर पश्चिमी घाट पर वायु नहीं रुक रही क्योंकि यहाँ पर पर्वत नहीं है, हमने पर्वत को छीन दिया थोड़ी देर के लिए, समझ लो थोड़ी देर के लिए छीन दिया हमने ओके। अब देखिए इधर से आराम से पवन चली जा रही है, ये कैसी है वायु, ये वायु है आर्द्र वायु है ओके, ये क्या है आर्द्र वायु, मतलब इसके अंदर इस वायु के अंदर पर्याप्त मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्द्रता देखने को मिलेगी ओके। अभी आर्द्रता है इसके अंदर, अभी हल्की हल्की क्या होती है संघनन की प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो जाती है और बादल बन जाते हैं ओके। तो आपने देखा होगा कि बादल आते हैं भाई, अब देखिए इधर तो यूपी यूपी वाला जो यूपी वाली जगह देखने को मिलेगी, इधर वाली जो जगह देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगी, तो जो आपको वेस्टर्न यूपी देखने को मिलेगा उधर तो अच्छी खासी बारिश करा देता है, लेकिन उससे पहले जो मरुस्थल पड़ता है उधर तो बारिश ही नहीं कराता। तो क्या होता है इधर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा पर्वत है भाई ओके, यही जब ये बादल जाते हैं इससे आर्द्र वायु है टकराती है तो ये वायु है ऊपर उठ जाती है और वायु ऊपर उठ जाती है और वहां पर इसको नाभिक मिल जाते हैं, आराम से वर्षा करा देती है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान
जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वायु है, वायु यहाँ पर आद्र है, और यहाँ पर क्या बादलों का भी निर्माण हो गया, लेकिन ये बादल कहीं टकराए नहीं, टकरा जाते तो बारिश कर देते भाई, लेकिन यहाँ पर ये बारिश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है, हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ आर्द्र वायु चाहिए होती है किसी स्थान पर। अगर किसी स्थान पर आर्द्र वायु है, ओके, आर्द्र वायु है वो संतृप्त हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करते हैं, बस एक हेलीकॉप्टर लेते हैं या फिर हम एक प्लेन लेते हैं। ओके, तो हम प्लेन बना देते हैं। अब हमसे प्लेन बन जाए तब है भाई, अब प्लेन तो हमसे बन नहीं सकता है लगता है, अब ड्राइंग सीखना पड़ेगा। अब जो भी है ये मान लेते हैं प्लेन है। ओके, अब देखिए ये प्लेन है, हम प्लेन ले जाते हैं और प्लेन ले जाते हैं और इसमें हम क्या ले जाते हैं, इसमें भरते हैं बहुत सारे नाभिक। ओके, नाभिक हम भर लेते हैं, मतलब नाभिक का मतलब क्या है, नाभिक के रूप में हम सिलिका का उपयोग कर लेते हैं, नाभिक के रूप में हम नमक के कणों का उपयोग कर लेते हैं। ये नाभिक क्या है, बस कण है भाई, कण के रूप में क्या हो सकता है, या तो सिलिका हो सकता है या फिर नमक उमक, तो ये प्रकृति में पाया ही जाता है भाई। और ये बहुत महीन महीन कण होते हैं, बहुत महीन महीन कण, मतलब एक किलो होता है वो कई कई किलोमीटर में फैल जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर जाता है और हेलीकॉप्टर जाएगा, जैसे ही यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, ये सब नमक के कण या फिर जो भी इसके पास नाभिक है इसे फैला देगा, एकदम फैला देगा यहाँ पर। और जैसे ही फैलाएगा तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कण होंगे, मतलब जो जल के या हिम के जो कण होंगे, वो इन्हीं के ऊपर आकर के संघनित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, यहाँ पर ही आकर के संघनित होने लगेंगे, और जैसे ही संघनित होंगे इन बूंदों का भार बढ़ जाएगा, और जैसे ही बूंदों का भार बढ़ जाएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काम करना प्रारंभ कर देगा। तो वो क्या करेगा, रास्ते में पानी को टपका लेगा इसमें से, जो बादल में से पानी पानी पहले ही निकाल लेगा, और यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी, इस स्थान पर बारिश हो जाएगी। अब ये वायु जब इधर जाएगी तब इधर बारिश या तो काम कराएगी या फिर नहीं कराएगी, क्योंकि इसकी आदरता हमने रास्ते में ही ले ली, किस प्रक्रिया से, एक आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम सिर्फ नाभिक उपलब्ध करा देते। ऐसा नहीं है हेलीकॉप्टर से ले जाकर के हम पानी का छिड़काव करते, नहीं, पानी का छिड़काव नहीं करते, बस इन नाभिकों का छिड़काव करते हैं। जहां पर नाभिक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं या फिर उनकी कमी होती है, उनकी संख्या को हम बढ़ा देते हैं, तो इसी कारण आर्टिफिशियल रेन हो जाती है। वैसे ये आर्टिफिशियल रेन हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन हम आपको समझा दिए बस। ओके, तो देखिए इसको जो आर्टिफिशियल रेन है ना, इसको एक वेपन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। आपको बताएंगे कैसे, जब आपको आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ा रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से इस चीज को हम एक वेपन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, एक हथियार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं दूसरे देशों के लिए, चाहे तो हमारी शरबत हो गई एकदम। अब आप लोगों के कोई भी मैसेज है तो मैसेज करिए, फिर हम लोग अपने टॉपिक चलते देख लेते हैं एक बार आप लोगों के मैसेज। ओके, कोई डाउट नहीं है, कर दिया एसएमएस। ओके, ठीक है, आप लोग अगर कोई भी डाउट होंगे तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आप लोग के अभी तो कोई भी डाउट नहीं है। देखिए अब यहां से देखिएगा, जो हमारा ये टॉपिक था अभी हम आपको क्या पढ़ाने लगे थे, आद्रता ग्राही नाभिक, मतलब कण का होना जरूरी होता है, ये धूल कण भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमको नमक की कण ही चाहिए। ओके, तो देखिए ये संघनन की प्रक्रिया आखिर क्यों हुई, ये संघनन की प्रक्रिया आखिर क्यों हुई, तो आप लोगों को हम पहले ही पढ़ाए थे। इस संघनन की प्रक्रिया इसलिए हुई क्योंकि जो आर्द्र वायु थी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए तो RH हम लिखे, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाती है तभी क्या होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब इसी अवस्था क्या बोलते हैं, वायु संतृप्त हो गई। अब देखिए आखिर अगर हम आपसे पूछें ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये 100% कैसे हो गई या फिर वायु संतृप्त कैसे हो गई, तो देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100% कैसे हुई, क्योंकि जो सापेक्षित आर्द्रता थी उसमें वृद्धि हुई, सापेक्षित आर्द्रता है उसमें वृद्धि हुई, सापेक्षित आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी में
वृद्धि हुई। हम आपसे पूछे कि आखिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि वायु के तापमान में कमी आई। वायु के तापमान में कमी आई। अब देखिए, वायु के तापमान में कमी आती है तो हम आपको बताए थे वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और वायु के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो जल वाष्प होता है उसके अनुपात को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। जैसे जैसे तापमान कम होता है तो उस वायु के द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती है। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी, प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने देखी है। अब देखिए, वायु के तापमान में कमी क्यों आ रही है? वायु के तापमान में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा वायु का आरोहण हो रहा है, और वायु के आरोहण के कारण वायु का हल्के हल्के प्रसार होता है और प्रसार होने के कारण आइडियाबेटिक कूलिंग की वजह से वायु के तापमान में कमी आती है। अब आपको देखने को मिलेगा वायु का जो आरोहण है वो क्यों हो रहा है। आखिर आरोहण का मतलब क्या है? वायु ऊपर जा रही है। कहने का मतलब क्या है? वायु ऊपर जा रही है। ओके, अब आखिर ये वायु आर्द्र वायु है ये ऊपर कैसे जा रही है? जैसे ही आप ये समझ जाएंगे, वर्षण के प्रकारों के बारे में समझ जाएंगे, आखिर ये वायु है ये ऊपर कैसे जा सकती है, खुद से पूछिएगा। अब ऊपर जाने के लिए कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, तो चलिए आपको बताते हैं ये वायु किस तरह से ऊपर जाएगी। और जैसे ही ऊपर जाएगी वैसे ही आप समझ जाएंगे कि बारिश कैसे होती। देखिए, एक आर्द्र वायु है, ओके, ये ऊपर कैसे गई? आखिर ये ऊपर कैसे गई? तो देखिए, आर्द्र वायु है वो ऊपर कैसे जा सकती है? आर्द्र वायु है वह ऊपर जाने के लिए या तो तापमान की हमको आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? तापमान की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हम कहीं पर तापमान बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ाने के कारण वायु गर्म होती है, गर्म होकर के हल्की होती है और हल्की होकर के ऊपर चली जाती है। यानी कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं जलीय सतह का तो आपको पता है कि वायु हल्की होती है। ओके, अब वायु हल्की होगी तो वो ऊपर उठने लगेगी। क्या होने लगी? ऊपर उठने लगी। जैसे ये क्या है? जल की सतह है और इसका तापमान हम बढ़ाए, इसका तापमान जैसे ही हम बढ़ाए तो ये वायु है ये क्या हो जाएगी? इस तरह से ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठ करके इस तरह से यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी और बादलों का निर्माण करेगी तो यहाँ पर इस तरह से वर्षा कराने लगेगी। तो इसी को हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। ओके, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। तो समझ गए, संवहनीय वर्षा है वो किस प्रकार से होती है? तापमान जैसे बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से जो आर्द्र वायु होती है वो गर्म होती है और गर्म होकर के हल्की होती है और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो संघनन की प्रक्रिया होगी और बारिश करा देगी। ओके, तो ये कहां पर होता है? तो आपको देखने को मिलेगा जहां पर तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा कहां पर होगा? ये पृथ्वी है, 0 डिग्री है, तो आपको जो आपको देखने को मिलेगा निम्न अक्षांशों के समीप संवहनीय वर्षा होती है। तो एक तो वायु के ऊपर उठने का कारण क्या हो गया? तापमान। दूसरा भी तो कारण हो सकता है कि एक आर्द्र वायु बेचारी जा रही थी, चुपचाप जा रही थी, लेकिन चुपचाप जा तो रही थी लेकिन रास्ते में कोई अवरोध आ गया, बैरियर आ गया रोकने के लिए, बोले कि नहीं 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 तुम नहीं जा सकते। तो देखिए, अब क्या आ गया? कोई अवरोध आ सकता है। अवरोध के रूप में क्या हो सकता है? कोई पर्वत आ सकता है। ओके, अवरोध। अब देखिए, अवरोध के रूप में क्या है? यहां पर इस तरह से पर्वत आ गया भाई। ओके, ये अवरोध हम लिखेंगे नहीं, मतलब आप लोग लिख लीजिए, हमारे पास जगह कम है क्योंकि नीचे हमको समझाना पड़ेगा। ये मानते हैं इस तरह से पर्वत है भाई, दिख रहा है ना पर्वत, एकदम मस्त दिख रहा होगा आप लोगों के लिए पर्वत। अब देखिए, पर्वत है। अब यहां से आर्द्र वायु जा रही थी, अब चुपचाप जा रही थी, वो उसे किसी से मतलब नहीं था बेचारी, वो ऐसे जा रही थी एकदम प्यार से। अब जा रही थी, रास्ते में क्या मिल गया? अवरोध मिल गया। अवरोध के रूप में क्या मिल गया? पर्वत मिल गया भाई। अब इससे टकराएगी, लेकिन अब क्या है, पीछे वाले आकर के ठोकेंगे कि चलो आगे, चलो आगे, तो वो क्या करेगी बेचारी? जबरदस्ती ऐसे ऊपर उठने लगेगी। जब जबरदस्ती ऐसे ऊपर उठेगी तब अब ऊपर तो उठेगी भाई। अब जब आर्द्र वायु ऊपर उठी गई, तब आपको पता है जब वायु ऊपर उठती है तब वो संघनन से विरल में जाएगी तो आइडियाबेटिक कूलिंग होगा, आइडियाबेटिक कूलिंग होगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी तो बारिश होने लगेगी। अब भाई मजबूरी में यहाँ पर
चुपचाप जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बीच में पर्वत आ गया, पर्वत के कारण वायु ऊपर उठ गई। तो वायु ऊपर उठने का कारण क्या हो गया, पर्वत हो गया। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा इसको बोल देते हैं। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, क्या बोल देते हैं, पर्वतीय वर्षा। और पर्वतीय वर्षा के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा विलोमता भी उत्पन्न होती है और पर्वतों के मध्य में वर्षा ज्यादा होती है, आधार पर कम होती है, शीर्ष पे कम होती है, दूसरे ढालों पे कम होती है। इसके बारे में विस्तार में अभी बात करेंगे, अभी आपको प्रकारों के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं। ओके, तो देखिए, अब देखिए वायु है तीसरे प्रकार से कैसे ऊपर उठ सकती है। एक तो चलो तापमान बढ़ा दिया, गर्म होकर के ऊपर उठ गए। तीसरा क्या था, रास्ते में अवरोध आ गया, उसने उसकी वजह से ऊपर चले गए। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण हो सकता है मारकुटाई वाला, जो लड़के ज्यादा करती हैं वैसे मारकुटाई। तो देखिए इधर आपको देखने को मिलेगा कि एक पवन आ रही थी बिचारी, ओके एक पवन बिचारी आ रही थी, चुपचाप आ रही थी, ओके तो ऐसे करके आ रही थी बिचारी, ओके। अब देखिए, अब पर्वतीय वर्षा कहां पर होगी, तो भाई पर्वतीय वर्षा कहीं भी हो सकती है, जहां भी पर्वत होगा वहां पर्वतीय वर्षा देखने को मिलेगी, ओके। इसके लिए क्या पर्वतों के लिए कोई अक्षांश होना जरूरी होता है, नहीं भाई, जहां पर आर्द्र वायु है और जो ह्यूमिड एयर है और वो पर्वत है, कहीं मिल गया, आपस में मिल गए और वहां पर वर्षा हो जाएगी। जरूरी थोड़ी ना कि भाई इसके लिए कोई अक्षांश चाहिए, हमको अक्षांश नहीं चाहिए इसके लिए, ओके। अब देखिए, एक वायु आ रही थी, अब दूसरी वायु इधर से आ रही थी, मतलब ये दूसरा ग्रुप जा रहा था, ओके ये दूसरा ग्रुप जा रहा था, आपस में गई ये पवने और आपस में भिड़ गई भाई। अब जब भिड़ जाएंगी तो मजबूरी में एक को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए आपस में भिड़ी, जो कमजोर होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, जो मजबूत होगी वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो मानते हैं इस तरह से भिड़ने के कारण एक कहाँ चली गई, ऊपर चली गई भाई, ओके ऊपर चली गई। तो इसको क्या बोल देंगे, ये देखिए कहाँ पर ये इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलेगी, जहां पर दो वायु का अभिसरण होता है। दो वायु का अभिसरण होता है, क्या होता है, दो वायु का अभिसरण होता है, अभिसरण होता है, वहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है। और वहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है, तो जहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है वहां पर ही वर्षा भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्द्र वायु होती है वो ऊपर उठ रही है, ऊपर उठेगी तो सेम प्रोसेस होगा तो यहाँ पर वर्षा होगी। तो वाताग्रों के कारण यहाँ पर जो वर्षा हो रही है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम वाताग्री वर्षा, क्या बोल देते हैं, वाताग्री वर्षा बोल देते हैं, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा कहाँ पर होती है, हम आपको बड़े प्यार से बताए थे, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर क्या है, इधर आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा, इधर आपको 30 डिग्री देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 60 डिग्री देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री। तो देखिए हम आपको बताए थे ना, पहले यहाँ पर एकदम पतला करते हैं पेन, जिससे एकदम क्लियर दिखे। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ से जो पछुआ पवन है वो ऐसे जाती है 60 डिग्री की ओर, और उधर से ध्रुवीय पूर्वी पवन है वो आती है, और लगभग में 60 डिग्री के समीप क्या होता है, इन पवनों का अभिसरण होता है। तो यहाँ पर अभिसरण होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो उच्च अक्षांशों के पास में यहाँ पर वाताग्रों का निर्माण होगा, तो उच्च अक्षांशों में ही वाताग्री वर्षा होगी। तो वाताग्री वर्षा कभी आपको इक्वेटर के पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी, वाताग्री वर्षा नहीं देखने को मिलेगी भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो कौन कौन से देश है देख लीजिए एक बार जा करके, कि जो उच्च अक्षांशों की इधर आते हैं, ओके तो एक बार देख लेंगे जाकर के, आराम से बता देंगे वाताग्री वर्षा। तो भारत में आपको ज्यादा वाताग्री वर्षा नहीं देखने को मिलेगी, भारत में बहुत ही सीमित समय के लिए, कुछ समय के लिए ठंडी के समय में केवल उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है वो वाताग्री वर्षा होती है। क्योंकि हम आपको बताए थे जब सूरज देवता हमारे शिफ्ट करते हैं इधर साउथ में चले जाते हैं, मतलब दक्षिण में चले जाते हैं सूर्य देवता, तो ये जो पेटी है ये भी थोड़ी खिसक के बेचारी नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आ जाती है तो जो वाताग्र है वो भी नीचे खिसक के आ जाते हैं, जब ये भी खिसक के नीचे आ जाते हैं, तो ठंडी के मौसम में जो भारत में वर्षा होती है वो वाताग्री वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है, वाताग्री वर्षा होती है। अभी वर्षा खत्म नहीं हुआ, वर्षा तो अभी स्टार्ट हुआ है, इतना आपका कॉन्सेप्ट बना दिया ना, आधी चीजें तो ऐसी क्लियर कर दोगे आप। अब तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है क्या, वर्षा। अभी तो हम आपको क्या बनाए थे, एक ओवरव्यू बनाए थे, ओवरव्यू में आपको क्या बना दिया, सुपर हीरो बना दिया। जब पूरा पढ़ा देंगे तो क्या हो जाओगे आप,
बता नहीं सकते, अभी कोई शब्द नहीं है हमारे पास में, थोड़ा सा चाय पी ले हमको। देखिए तो बुक्स बुक्स होती है ना, तो बुक्स बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं तो उनमें फैक्चुअल चीजें देखिए, फैक्चुअल चीजें जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए। और कॉन्सेप्ट क्या है, हम बना देंगे ऐसे चाय पीते हुए आप पढ़ा दोगे किसी को जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं। ओके एक बार आपके मैसेज देख लेते हैं। ये बेचारी चाय एकदम लग रहा है शरबत पी रहे हैं। मैसेज करिएगा अगर कोई भी डाउट है, डाउट है तो आप लोग मैसेज करिए, वरना हम लोग आगे चलते हैं। वॉइस वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वॉइस वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ओके बहुत अच्छी बात है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो देखिए हम कहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे, चाय पीते हैं थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो देखिए हम आपको पढ़ा दिए थे कि जो बर्तन के प्रकारों के बारे में, मतलब बताए हैं अभी पढ़ाए नहीं है इसके बारे में, अभी तो स्टार्ट हो गई क्लास यहाँ से। तो देखिए अभी हम आपको यहाँ पर पढ़ाए थे, ये सारी चीजें पढ़ाई थे। ओके तो देखिए यहाँ पर जो संग्रहण की प्रक्रिया हुई है, यहाँ पर ही आपको लिखा देते हैं, थोड़ा सा मार्कर मोटा कर लेते हैं क्योंकि अब पवन नहीं चलानी है हमको। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो ये संघनन हुआ है तो ये संघनन जिस पॉइंट पर होता है, एक्चुअली क्या हो गया, तो देखिए ये जो संघनन की प्रक्रिया जिस पॉइंट पर होती है, या फिर जो वायु संतृप्त हुई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिस पॉइंट पर हमको प्राप्त होती है, जिस तापमान पर हमको प्राप्त होती है, जिस तापमान पर प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं ओशांक बिंदु। क्या बोलते हैं, ओशांक बिंदु बोलते हैं भाई। ओके क्या बोलते हैं, ओशांक बिंदु बोलते हैं। और यही ओशांक बिंदु अगर ज्यादा ही मोटा हो गया कुछ, एक सेकंड थोड़ा सा पतला कर लेता है अब, ठीक है। तो देखिए ये ओशांक बिंदु है, अगर ये हमें मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम पर, ओके नीचे का एरो है मतलब कम, ओके तब यहां पर जो वर्षा होती है, जो जल वाष्प है, ओके जल वाष्प है, जल वाष्प है ये किस में बदलता है, ये बदलता है हीम में बदलता है भैया, या यानी कि बर्फ में बदलता है। तो यहां पर कौन सी वर्षा होती है, यहां पर हीम वर्षा होती है। लेकिन यही ओशांक बिंदु हमें 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस पर प्राप्त होता है, मतलब अधिक पर प्राप्त होता है, तब आपको देखने को मिलेगा कि हम जल वाष्प है वो किस में बदलेगा, जल वाष्प है वो किस में बदलेगा, जल की बूंदों में बदलेगा। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो जल वर्षा होती है, मतलब पानी वाली वर्षा होती है। ओके बोले बोले नहीं करने वाले, लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है ओशांक बिंदु होता है वो कई बार ऐसा हो सकता है 0.5 पर, 2 पर, मतलब ऐसे पर हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो संग्रहण की प्रक्रिया हुई है वो 0 से थोड़ा सा ऊपर हुई है, तो जल के रूप में जाहिर सी बातें होगी, लेकिन वो हवा कहाँ चलेगी, ठंडे प्रदेश में थोड़ी सी चलेगी। अब ठंडे प्रदेश चलेगी तो उसका तापमान अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संग्रहण की प्रक्रिया तो हुई है 0 डिग्री से प्लस पर, लेकिन ठंडे क्षेत्र में वो बादल चला गया, वो पानी चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से जम जाएगा बेचारा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है आपको देखने को मिलेगा, तो मिश्रित वर्षा भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बताते हैं किस तरह से, इसी में हम आगे आपको बता देते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए जैसे कि यही जो आगे का डायग्राम चल रहा है, तो जैसे ये क्या है, मानते हैं एक जल की बूंद है, क्या है ये, आप कहेंगे सर ये तो बादल दिख रहा है हमको, तो चलिए जल की बूंद बना देते हैं अब, तो ठीक है जल की बूंद लग रहा होगा अब। तो देखिए ये जल की बूंद है, क्या है, जल की बूंद है। ओके अब देखिए जल की बूंद है, लेकिन अब सोचिए संघनन की प्रक्रिया हुई, जल की बूंद है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस भी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस भी होगी, लेकिन क्या हुआ, ये जो बादल था भैया ये खिसकते खिसकते चला गया थोड़ा सा आगे, मतलब ऐसे प्रदेश में चला गया जहां का तापमान कम था भाई, जहां का तापमान कम था भाई, ऐसे प्रदेश में चला गया। अब देखिए ये ऐसे प्रदेश में जब चला जाएगा जहां का तापमान कम है, खिसकते तो ये क्या हो जाएगी, जल की बूंद है, जो जल की बूंद है ये क्या हो जाएगी, हिम में बदल जाएगी। ओके तो देखिए हिम में कैसे बनाए इसको, अब देखिए जल की बूंद है तो बना तो नहीं सकते हम एक्चुअली, ओके ओला भी बना देते हैं ऐसे करके। ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जल की बूंद भी रहेगी, जल की बूंद भी रहेगी,
और प्लस हीम के कण भी रहेंगे, हीम के कण भी रहेंगे, तो यहां पर क्या होती है, मिश्रित वर्षा होती है। क्या होती है? मिश्रित वर्षा होती है। तो मिश्रित वर्षा होने के कई सारे कारण होते हैं। कभी कभार ये सोचो, हमारे यहाँ भारत में सोचो, भारत में क्या हो रही है, हिम वर्षा हो रही है, लेकिन हिम वर्षा भारत क्या है, गर्म वाला प्रदेश है ना। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत आता है। ओके, तो भारत में बारिश हो रही है और गर्मियों के मौसम में हो रही है, और वो हिम होता है, बारिश हो रही थी हिम के रूप में, लेकिन रास्ते में आते आते तापमान बढ़ जाता है, तो वो हिम और पानी दोनों साथ साथ में बारिश होने लगती है। लेकिन ये सोचो, इसका तापमान और ये जो है बादल भाई, और थोड़ा आगे पहुंच जाए जहां का तापमान और कम है, तो देखिए ये थोड़ा सा और आगे गया जहां का तापमान और ज्यादा कम था, तो ये जो थोड़ा बहुत बेचारा जल बचा था वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि तापमान क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया, और ज्यादा कम वाले क्षेत्र में पहुंच गया। तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिर्फ हिम के कण इस तरह से ओले गिरेंगे, बम बम बरसेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ हिम वर्षा होगी यहाँ पर, हिम वर्षा होगी, ये चीज आपको देखने को मिली। तो इस तरह से होता है। और कभी कभार क्या है, हमारे इधर ही हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, गर्म प्रदेश है भाई हमारा, हिम होगा रास्ते में पिघल जाएगा, तो मिश्रित वर्षा हो सकती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो आदर्श चीजों का अध्ययन करते हैं, मतलब एक आदर्श परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों के लिए कोई भी कंफ्यूजन है, जैसे डायबिटिक आइडियाबिटिक में, तो आप लोग बता दीजिए, बहुत अच्छे से उन सारी चीजों को समझा देंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वर्षा के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले आपको समझाते हैं संवहनीय वर्षा के बारे में समझाते हैं, फिर आपको समझाएंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में समझाएंगे, फिर आपको समझाएंगे यहाँ पर वातग्री वर्षा। वातग्री वर्षा दिमाग घुमा देगी, ये दोनों तो बहुत सरल है। ओके, ये वाला थोड़ा सा वातग्र है ना, ये आपका दिमाग घुमाएगा, चक्रवात है वो भी थोड़ा दिमाग घुमाएगा, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे, स्थिर रखेंगे आपका दिमाग को। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं वर्षा के प्रकारों में संवहनीय वर्षा। डालिए हेडिंग संवहनीय वर्षा। ओके, देखिए अगर हम संवहनीय वर्षा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, तो देखिए जहां का तापमान होता है वो अधिक होता है, जहां का तापमान होता है, ओके, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में। और देखिए संवहनीय वर्षा होने के लिए आपको देखने को मिलेगा जो वातावरण है थोड़ा शांत होना चाहिए। ओके, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहे तो दिक्कत आ जाती है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, पानी गर्म होता है, पानी मतलब पानी गर्म होगा, तापमान अधिक है भाई, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और इस तरह से वाष्प है वो ऊपर उठेगा। ऊपर क्यों उठेगा, इतनी बार बता चुके हैं। ओके, यहाँ पर जो ऊपर उठने का कारण क्या, तापमान है, तो ये इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे पहले ही बता चुके हैं। देखिए अब बर्डन कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बर्डन क्या होगा आपका, कम होता चला जाएगा, और यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। अब देखिए ये कौन सी वर्षा है, संवहनीय वर्षा है। बादल ऊपर गया, बादलों का किस प्रकार के बादलों का निर्माण होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो बादलों का निर्माण होगा ना, वो बादल होंगे आपको देखने को मिलेंगे, जो कपासी बादल हम आपको बताए थे वो आपको बादल देखने को मिलेंगे। ओके, किस प्रकार के बादल, जो कपासी बादल होते हैं, और इस तरह से फिर ये बारिश होगी। अब देखिए हल्के हल्के थोड़ा सा ड्राइंग हमारी अच्छी होने लगी है। अब देखिए जैसे ही हम आपको इतना बता दिए, बस क्या, ये किस प्रकार के बादल हैं, कपासी बादल हैं, कपासी बादल हैं, तो कपासी बादलों की विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं। तो यानी कि सॉरी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जहां पर संवहनीय वर्षा होगी वहां पर सीमित क्षेत्र में होगी, साथ में आपको देखने को मिलेगा सीमित समय के लिए होगी। ओके, सीमित क्षेत्र में होगी, सीमित समय के लिए होगी, और बहुत तेजी से होगी, मतलब तीव्रता के साथ होगी, विद्युत गर्जन भी होगा, जाहिर सी बात है विद्युत गर्जन भी होगा, ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बादल कैसे होंगे, बादल होंगे वो आपको मतलब इनकी जो मोटाई होगी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये विस्तृत ज्यादा नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा कहाँ होगी, क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, इक्वेटर के पास में आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो 0 डिग्री से
जीरो डिग्री से आपको देखने को मिलेगा, लगभग में 30 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर आपको संवहनीय वर्षा समानता देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर बोला जाए संवहनीय वर्षा है वो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो संवहनीय वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ओके, तो देखिए जैसे हम ये पृथ्वी बना देते हैं तो देखिए स्टेटमेंट दिए रखे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखिए अब क्या दिया रखा होगा, देखिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे नहीं, स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो संवहनीय वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। स्टेटमेंट एकदम सही होगा क्योंकि अभी हम कहां से आ रहे हैं, ध्रुवों से आ रही हैं विषुवत रेखा की ओर, तो संवहनीय वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। लेकिन अगर हम वही बोले विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो संवहनीय वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, नहीं, स्टेटमेंट गलत हो गया, बल्कि आपको देखने को मिलेगी संवहनीय वर्षा में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आने के कारण संवहनीय वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। तो देख लीजिए जहां जहां पर पृथ्वी पर अधिक तापमान पाया जाएगा वहां पर वर्षा ज्यादा होगी, जहां पर तापमान कम पाया जाएगा वहां पर संवहनीय वर्षा कम देखने को मिलेगी। ओके, संवहनीय वर्षा, अब भी बात आगरी पर मत आइएगा, संवहनीय दिमाग में रखिए, वो सोचिए और कोई प्रकार की दुनिया में वर्षा नहीं होती, सिर्फ संवहनीय होती है। संवहनीय के बाद जब परवर्तीय पढ़ाए तब सोचना सिर्फ परवर्तीय ही वर्षा होती है और दुनिया में कोई वर्षा नहीं होती, इसके अलावा फिर हम वातागरी पढ़ाए तो सोचिएगा सिर्फ वातागरी वर्षा होती है और दुनिया में कोई वर्षा नहीं होती, और जब तीनों पढ़ा दें फिर मर्ज कर दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ तीनों होती हैं और किस प्रकार से होती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। ओके, और अधिकांश जो संवहनीय वर्षा है ना ये दोपहर के बाद होती है, दोपहर के बाद आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जैसे सुबह सुबह ये आपको नहीं देखने को मिलेगी, रात में भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये जो होती है ये आपको देखने को मिलेगा 12 बजे के बाद में वर्षा होती है और शाम से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो ये बहुत तेजी से विद्युत कड़कन के साथ में बारिश आती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो कहां पर होता है ये, निम्न अक्षांशों पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें कितनी भी चीजें ऐड कर लीजिए जो हम नहीं पढ़ाए हैं ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे हम बोले विषुवत रेखा के पास में सबसे अधिक वर्षा कब होगी, जैसे हम बोले शीतायंत के समय, ग्रीष्मायंत के समय, विषुवत के समय, तो आप आराम से आंसर कर देंगे विषुवत के समय विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश क्यों होगी विषुवत के समय, क्योंकि विषुवत के समय जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य लंबवत होता है। अगर हम आपसे पूछे कर्क रेखा के पास में सबसे ज्यादा बारिश कब होगी, ग्रीष्मायंत के समय, शीतायंत के समय, तो आप जाहिर सी बातें बता सकते हैं ग्रीष्मायंत के समय। वहीं हम पूछे मकर रेखा के पास में सबसे ज्यादा बारिश कब होगी, ग्रीष्मायंत के समय, शीतायंत के समय या फिर विषुवत के समय, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो संवहनीय वर्षा है वो मकर रेखा के पास में शीतायंत में होगी, क्योंकि वहां पर शीतायंत जब हमारे यहाँ होता है तो वहां पर ग्रीष्मायंत होता है, उस समय सूर्य लंबवत होता है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य शिफ्ट करेगा संवहनीय वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होती है और मतलब बदलाव आता है। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तब आपको बोलना है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। ओके, विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवतीय क्षेत्र में, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, तो देखिए बहुत सारी चीजें थी जो हम आपको बता दिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा पर्वतीय वर्षा के ऊपर। पर्वतीय वर्षा है वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। दूसरी है, अब आप भूल जाइए कि हम आपको संवहनीय वर्षा पढ़ाए, अब पर्वतीय ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं पर्वतीय वर्षा के ऊपर। पर्वतीय वर्षा के ऊपर आप लोग भींगेगा मत, ज्यादा ही कुछ बारिश हो रही है यार, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, भींगेगा मत। अभी देखिए संवहनीय वर्षा है, इक्वेटर से लेकर के आप कहाँ लेके आए, आपको पहाड़ों पर लेकर के आए, हिल स्टेशन पर भी अभी थोड़ी देर में लेकर के जाएंगे। ठंड वंड लगे अच्छे से कपड़े पहन लेना है, क्योंकि हमारे तो पैर ठंडे होने लगे हैं। तो देखिए ये क्या है, मानते हैं पर्वत है भाई, ये क्या है पर्वत है। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे ना अपने आप आंसर निकलने लगेगा, अभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, अप्लाई मैप पर जाकर के करिए आंसर फटाफट निकलेगा। तो देखिए ये मानते हैं क्या है, पर्वत है भाई। ओके,
कुछ इस तरह से पर्वत बनाए। अब हमारा कंप्यूटर बेचारा हैंग करने लगा है, अब इसकी बस की बात नहीं बची अब लगता है। देखिए बेचारा अभी देखो इतनी देर में खींच रहा है, खींच जाने तो बेचारे को। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको पर्वत देखने को मिलेगा, पर्वत की वर्षा करा रहे हैं तो पर्वत की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो देखिए ये पर्वत है और इधर क्या आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको मान लेते हैं जल है भाई ये। आप कहेंगे आज पीला जल हो गया, कोई बात नहीं पीलिया हो गया थोड़ा सा जल को, जल है ओके। अब देखिए जब इधर से पवन चलेगी, पवन चलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्द्रता ले लेगी बेचारी, क्या ले लेगी, आर्द्रता ले लेगी जब इससे यहाँ से गुजरती हुई जाएगी। तो देखिए आर्द्रता ले लेगी, अब रास्ते में जा रही होगी तब आपको देखने को मिलेगा रास्ते में मिल गए पर्वत भैया। अब रास्ते में मिल गए पर्वत भैया तो बोले कि रुको कहाँ जा रही हो बहना, तब बोले कि हम आगे जा रहे हैं। बोले नहीं भैया होते हैं बड़े शैतान होते हैं, छोटी मोटी किस्से रहते हैं बहनों की। तो बोले कि नहीं 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 तुम नहीं जाओगी। अब बहनें भी होती हैं वो कम नहीं होती हैं, बहुत भयानक होती हैं। तो वो क्या करती हैं भैया के ऊपर ही चढ़ जाती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे पवन क्या होगी, ऐसे चढ़ने लगेगी ओके। जैसे ही पवन ऊपर चढ़ेगी तब आपको पता है, अब यहाँ पर जैसे ही पवन ऊपर जाएगी सभी चीजों में परिवर्तन आने लगे। जैसे ही पवन नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आ रही है यानी कि वायु की सघनता में भी कमी आ रही होगी। वायु की सघनता में कमी आएगी तो नीचे से जो आर्द्र वायु जा रही है वो भी क्या होगी, सघन से विरल में जाएगी, तो उसमें प्रसार होगा, प्रसार होगा तो आइडियाबेटिक उसमें कूलिंग होगा, आइडियाबेटिक कूलिंग होगा। तो हल्के हल्के जब ऊपर जाएगी तो कुछ ऊंचाई के बाद में क्या हो जाएगी, वायु संतृप्त हो जाएगी ओके। तो मानते हैं कि यहाँ पर ओके, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं एक्चुअली क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। तो मानते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर के वायु है वो संतृप्त होने लगी ओके। वायु क्या होने लगी, हल्के हल्के संतृप्त होने लगी, मतलब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ने लगी हल्के हल्के। अब जैसे ही हल्के हल्के बढ़ी तो एक स्टेप यहाँ पर आता है कि यहाँ पर वायु क्या होती है, यहाँ पर वायु इस तरह से बादलों का निर्माण करती है, मतलब वायु है वो संतृप्त हो जाती है ओके। तो आपको लिख देते हैं जैसे ए है मतलब एक्स पॉइंट है, ये मानते हैं वाई पॉइंट है, ये मानते हैं जेड पॉइंट है। मतलब हमने पर्वत को तीन भागों में बांट दिया, मतलब ये पर्वत है उसकी चोटी का भाग है, एक है मध्य का भाग है, एक है आधार का भाग है ओके। तीन भागों में हमने पर्वत को बांट दिया। तो देखिए आधार पर क्या होता है, इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ पाती है कि वायु है वो संतृप्त हो जाए। संतृप्त नहीं होगी तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए पर्वतों के आधारों पर वर्षा नहीं होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। जैसे ही पर्वतों के मध्य ऊंचाई पर जब पवन जाती है तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पर्वतों के मध्य भाग में सर्वाधिक बारिश होती है, पर्वतों के मध्य भाग में सर्वाधिक बारिश होती है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए जब यहाँ पर पर्वत किस ढाल के सारे जब हल्के हल्के पवन ऊपर उठ रही होती है तो यहाँ पर किस प्रकार के बादलों का निर्माण कराती है, यहाँ पर जिस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है वो होता है स्तरी बादल। कौन से बादलों का निर्माण होता है, ये स्तरी बादल होते हैं भाई। ये कौन से हैं, स्तरी मतलब वर्षा स्तरी बादल है। अब देखिए जैसे ही हम बोल दिए वर्षा स्तरी बादल, कॉन्सेप्ट आपका कनेक्ट हो गया दिमाग में एकदम, पिलक लग गया जा करके बता देंगे वर्षा होगी, हल्के हल्के होगी, लंबे समय तक होगी ओके। और आपको देखने को मिलेगा ज्यादा लंबे समय तक तो होगी लेकिन विद्युत गर्जन नहीं होगा, आराम से प्यार से बारिश होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य भागों में जो वर्षा होती है वो स्तरी बादलों के द्वारा लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में बारिश कराती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जो मध्य भाग है वहां पर तो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मध्य भाग से ये वर्षा आगे जाती है, ये वर्षा है तो सॉरी वर्षा नहीं वायु है ये ऊपर जाती है। अब देखिए वायु बेचारी ऊपर गई लेकिन आर्द्रता इसके बीच में ही निकल गई। अब देखिए इसकी आर्द्रता है मतलब ह्यूमिडिटी है वो बीच में ही निकल गई यानी कि वायु क्या हो गई, शुष्क हो गई। वायु क्या हो गई, शुष्क हो गई, शुष्क वायु हो गई। अब देखिए वायु में आर्द्रता में कमी आने के कारण ही जैसे जैसे हम पर्वतों की मध्य ऊंचाई से शीर्ष की ओर जाते हैं
वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वायु के शुष्क होने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ओके, तो यानी कि जो एक्स वाला जो हमने आपको पॉइंट दिखाया है, इस एक्स वाले पॉइंट में जो आद्र वायु का मुख होता है जिस तरफ, उसके इधर आपको देखने को मिलेगा शीर्ष पर कम बारिश होती है। ओके ओके, जिसको पवन मुखी ढाल बोलते हैं। तो पवन मुखी ढाल पर आधार पर कम बारिश होगी और शीर्ष पे कम बारिश होगी, लेकिन पवन मुखी जो ढाल होता है उसके मध्य में ज्यादा बारिश होगी। किसके द्वारा होगी? स्तरीय बादलों के द्वारा होगी। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं, कितनी चीजों से भी कनेक्ट कर लीजिए, दुनिया भर की चीजें ले आइए। तब हम आपको बताए थे एक, जैसे ताप ह्रास के बारे में बताए थे, तो एक हम आपको पढ़ाए थे शुष्क ताप ह्रास दर के बारे में बताए थे, एक आपको बताए थे संतृप्त ताप ह्रास दर, यानी कि संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर हम आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर जो जो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो तापमान नीचे गिरता है ना, अब देखिए जगह नहीं है हमारे पास, हम कैसे लिखे आपको। तो देखिए जो इस वाले पॉइंट पर जो ताप में कमी आती है वो किस किसके द्वारा आती है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, ताप ह्रास दर। देखिए जो रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है वो हम आपको बताए थे 10 से कम होता है, 8.5 से लेकर के आपको देखने को मिलेगा 9.5 तक आपको देखने को मिलेगा शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ओके, लेकिन जैसे ही वायु एक बार संतृप्त हो जाती है यहाँ पर जाकर के, और संतृप्त होने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगी तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ताप ह्रास होता है वो आपको देखने को मिलेगा -10 -12 हो जाता है, -15 हो जाता है, -16 हो जाता है, मतलब ताप ह्रास दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ताप ह्रास दर होती है ना इस वाले पॉइंट में जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सी होती है, वो होती है संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ओके, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, ताप ह्रास दर आपको देखने को मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर 10 -10 डिग्री से भी ज्यादा तेजी से तापमान में कमी आती है इस वायु के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती है। बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए वायु जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाती है, अब ऊपर जाने के बाद अब क्या करती है, इस दूसरे ढाल से उतरना प्रारंभ करती है भाई, दूसरे ढाल से इस तरह से उतरना प्रारंभ करती है। किस कलर से दिखाएं आप लोगों के लिए, इस कलर से। अब देखिए यही आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से जब ये उतरती है वायु, अब देखिए जब ये वायु नीचे उतरती है तब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होता है। देखिए इधर वायु जब ऊपर जा रही थी तो कूलिंग का प्रोसेस हो रहा था, अब नीचे आएगी तब आपको देखने को मिलेगा वायु है वो विरल से सघन में आ रही है ना, अब विरल से सघन में आ रही है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हीटिंग का प्रोसेस होने लगता है। मतलब इसकी जो वायु होगी इसमें आइडियाबेटिक हीटिंग की वजह से तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि के साथ में आपको देखने को मिलेगा इसमें आर्द्रता भी कम होती है, और आर्द्रता कम होगी और ताप बढ़ रहा है, इस कारण जो पवन मुखी ढाल होता है उसका जो विपरीत ढाल होता है, मतलब ये क्या है, विपरीत ढाल है, तो विपरीत ढाल पर वर्षा नहीं होती है। तो देखिए वर्षा ना होने का कारण क्या है, एक तो कारण है कि आर्द्रता का ना होना, और दूसरा कारण है कि पवन है उसका क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, पवन का अवरोहण होने के कारण आइडियाबेटिक हीटिंग हो रहा है, और हीटिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि कभी भी वायु संतृप्त नहीं हो सकती, और वायु अगर संतृप्त नहीं होगी तो जो विपरीत वाला ढाल होता है उस पर वर्षा नहीं होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को, मतलब जो दूसरा वाला ये पूरा ढाल है ना, इस पूरे ढाल को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ओके, तो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल, ओके, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे
बृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, बृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्या बोलते हैं, बृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेन शैडो जोन के नाम से जानते हैं। ओके, रेन शैडो जोन का मतलब क्या होता है, छाया होता है। ओके, अब देखिए यही आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोल देते हैं भाई। ओके, क्या बोल देते हैं, मरुस्थल बोल देते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सारी चीजें हम आपको बता दिए। देखिए शुष्क रुद्रोष्म ताप हरा सदर है, इसी को बोलते हैं ड्राई, ड्राई ये हमारा पैन अब फिर से नहीं चल रहा है। देखिए ड्राई आइडियाबेटिक लैप्स रेट। ओके, ड्राई सॉरी यहाँ पर एच लिख दिया, यहाँ पर एक ए लिख लीजिए, ड्राई आइडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। और इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आइडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं DALR बोलते हैं और इसको SALR बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछ लेगा तो भी आप लोग बता देना, पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो देखिए पर्वतीय वर्षा कुछ इस प्रकार की होती है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज होती है जो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगर इसे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे ये हमारा भारत है, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है, ये ऐसे भारत नहीं है, हमारा हमारा भारत बहुत प्यारा है। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको कुछ भारत देखने को मिलेगा। तो भारत की ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पर्वत है ना, ये कौन सा है आपको देखने को, तो पर्वत है। तो देखिए इधर से जो पवन जाती है ना, देखिए ये मानसूनी पवने इधर से जाती है ना, देखिए पर्वतों का ये वाला जो ढाल है, ये वाला ढाल है मतलब पवन मुखी वाला ढाल है, इधर तो वर्षा करा देती है भाई, इधर क्या होती है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो इधर वाला ढाल होता है, मतलब अपोजिट साइड वाला जो ढाल होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा ना होने के कारण ही यहाँ पर जल संकट की समस्या पाई जाती है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पर, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए अभी आपको कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे क्या है इसको पूरा को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से ये क्या है, हमारा भारत है। अब देखिए आपसे पूछे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जैसे ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। अगर हम आपसे पूछे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ज्यादा वर्षा किस पर होती है, तो आपको बोलना है, क्योंकि मानसूनी पवन है वो किधर से आती है भाई, इधर से आती है ऐसे करके, तो आपको बोलना है पश्चिमी घाट पर वर्षा ज्यादा होती है। मतलब जो पश्चिमी घाट है ना, इधर आपको वर्षा ज्यादा देखने को मिलेगी, इधर वर्षा आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन देखिए अब वर्षा जिधर ज्यादा होगी उधर जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि वर्षा जहां पर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर वनस्पतियां जीव जंतु पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। आपने देखा नहीं होगा, देखिए गर्मी का मौसम होता है तो मैदान क्या होता है, धूल धूल हो जाता है, कोई घास वास नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है, बरसात का महीना आता है, एकदम झाड़ियां झाड़ियां उग जाती हैं, हर जगह घास घास हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, कहाँ पर सांप है कहाँ पर क्या हो पता नहीं चलता अगर आप लोग गाँव में रहते होंगे। तो यानी कि जिधर वर्षा ज्यादा होगी उधर जैव विविधता भी ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाए जैव विविधता कितना ज्यादा होगी, आपने पढ़ा वर्षा, लेकिन आंसर किसका कर देंगे, जैव विविधता, पर्यावरण का आप लोग आंसर कर देंगे। यानी कि इधर जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, जैव विविधता पश्चिमी घाट पर ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दिया, बोले चलो ठीक है हमने मान लिया पश्चिमी घाट पर ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी घाट पर अपेक्षाकृत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी, लेकिन ये पश्चिमी घाट ही है, लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, देखिए ये क्या है, ये पर्वत है भाई, ये पश्चिमी घाट पर ही तो है, लेकिन इसका एक ये ढाल है। ओके, ये दूसरे कलर से बनाता है, देखिए ये दूसरे कलर से बनाते हैं। तो देखिए एक ये ढाल हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, पश्चिमी ढाल हो गया। ओके, और ये कौन सा ढाल हो गया, इधर वाला आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी ढाल हो गया, पूर्वी ढाल हो गया। तो आपसे पूछा जाए पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल क्या है, पश्चिमी घाट ही है लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, या फिर
पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर किधर ज्यादा बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ ज्यादा बारिश होगी, इस तरफ बारिश नहीं होगी, इधर आपको वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाएगा। भले ही ये क्या है, पश्चिमी घाटी है, लेकिन यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाएगा। जब यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि इधर वर्षा कम हो रही है, इधर वर्षा कम हो रही है, तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट के ही पूर्वी ढाल पर जैव विविधता कम पाई जाती है, जैव विविधता कम पाई जाती है। अब देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल को दे दिया और दूसरा उसने दे दिया इस तरफ के कोई यहाँ पर दे दिया या फिर इधर तमिलनाडु का कोई क्षेत्र दे दिया, तो आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता किधर ज्यादा देखने को मिलेगी, इधर ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो वृष्टि छाया प्रदेश है, उससे तो ज्यादा ही वर्षा इधर हो रही है ना, तो यहाँ पर आपको जैव विविधता अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जहां पर ज्यादा बारिश वहां पर जैव विविधता ज्यादा। देखिए जैव विविधता को बहुत सारे फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करा देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इतना आप लोगों के लिए समझ में आया, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रुकिए एक सेकेंड, आप लोगों के मैसेज देख लेता है। ओके बताइएगा आप लोगों के, ये क्या है ओला रेन को बताएं सर। ओके देखिए यहाँ पर विवेक यादव पूछ रहे हैं ओला रेन को बताएं, ये ओला रेन मतलब जो ओलावृष्टि होती है वो, अभी ओलावृष्टि तो अभी आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे, ओलावृष्टि का मतलब है हिम वर्षा, हिम वर्षा ही क्या है, ओलावृष्टि कब होती है, जिन लोगों ने फिर बीएस क्लासेस नहीं देखी होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम वहां पर आपको पढ़ाए थे कि उष्णांक बिंदु के बारे में, शायद दूसरा क्लास या तीसरा क्लास होगा आप लोगों का ज्योग्राफी का जिसमें हम आपको पढ़ाए थे। ओके तो जिन लोगों ने आर्द्रता पढ़ा होगा हमारे से, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता पढ़ा होगा, निरपेक्ष आर्द्रता पढ़ा होगा, विशिष्ट आर्द्रता पढ़ा होगा, अगर ये चीज अगर आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ी है तब आप लोग आराम से इस चीज को कवर कर सकते हैं। ओके बताइएगा आप लोगों को ये क्लियर हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, विवेक यादव है आप भी बताइए आपको कोई डाउट है। ओके क्लियर हो गया। ओके चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलिए चलिए ओके चलिए इतनी सारी चीजें आपको समझ में, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं वातावरणीय वर्षा के बारे में। अब हमारा गला सूख गया, थोड़ा सा पानी पी करके पढ़ाते हैं हम लोग भी, चाय तो पानी की तरह पी गए, बस एक सेकेंड रुकेगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब आप लोगों के लिए वातावरणीय वर्षा पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा वातावरणीय वर्षा के बारे में। वातावरणीय वर्षा थोड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें भी बताते हैं यहाँ पर। देखिए वातावरणीय वर्षा की अगर हम बात करें, वातावरणीय वर्षा की अगर बात करें, वातावरणीय वर्षा का मतलब है फ्रंटल रेन की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर फ्रंट का निर्माण होता है, तो जहां पर फ्रंट का निर्माण होगा वहां पर ही क्या होगी, फ्रंटल रेन भी होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रंटल रेन के बारे में, फ्रंटल रेन के बारे में, या फिर प्रेटिपिटेशन कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेटिपिटेशन। ओके तो देखिए अगर हम फ्रंटल प्रेटिपिटेशन या फिर वर्षण की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर ठंडी वायु और गर्म वायु है आपस में अभिसरण करती है, कन्वर्जन करती है, कन्वर्जन करके एक वायु को ऊपर उठा देती है, जहां पर एक वायु ऊपर उठ जाएगी तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, जैसी वायु ऊपर उठती हुई आपको मिल जाए समझ लीजिए अब बारिश होगी, अगर वायु संतृप्त हो जाती है, अगर वायु संतृप्त हो जाएगी और तो बारिश होगी, लेकिन बारिश होने के लिए सिर्फ वायु का संतृप्त होना जरूरी नहीं होता है, संतृप्त होने के साथ में जब जल वाष्प जल या हिम के रूप में बदलता है तब उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, वो है आर्द्रता ग्राही नाभिक। तो आर्द्रता ग्राही नाभिक साथ में मिल जाएगा बारिश हो जाएगी। चलिए अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए फ्रंटल रेन होती है ये दो तरह से होती है, क्या होती है, दो तरह से होती है, धीमी भी होती है तेज भी होती है। तो देखिए पहली कंडीशन हम लेते हैं, तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा वरना क्या हो जाएगा, गोल गोल ही घुमा देगा आपको। तो देखिए
ये मानते हैं पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह है, यहां से क्या जा रही थी, एक तरफ से गर्म वायु जा रही है, ओके, व्हाइट कलर से बनाते हैं गर्म वायु को। तो देखिए इधर क्या है, गर्म वायु है भाई, ओके, एकदम हॉट हॉट एयर जा रही है। देखिए हॉट हॉट एयर जा रही है ऐसे करके, जा रही है ना, ओके जा रही है, बहुत प्यार से जा रही है। इस तरह से क्या है, गर्म वायु जा रही है, और रास्ते में आपको देखने को मिलेगा इधर क्या है भाई, ठंडी वायु है इधर आपको देखने को मिलेगा। तो ठंडी वायु भी बना देता है, ठंडी वायु पीले रंग से बना देता है, ओके। तो इस तरह से इधर क्या है भाई, ये ठंडी वायु है, ओके। तो देखिए ये ठंडी वायु जो आपको देखने को मिलेगी और गर्म वायु, तो गर्म वायु और ठंडी वायु में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, अभिसरण होगा। तो देखिए जब यहाँ पर अभिसरण होगा तब कभी एक समय ऐसा आएगा कि गर्म वायु है वो थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी, और एक समय आएगा कि जो ठंडी वायु है वो एग्रेसिव होगी, ठंडी वायु है वो एग्रेसिव होगी। देखिए कभी आपने देखा होगा कि जो मियां होती हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, कभी आपको देखने को मिलेंगे कि और कोई एग्रेसिव हो जाता है, ओके। तो मियां बीबी में चलता रहता है, तो कभी मियां ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो कभी बीबी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो अभी क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मियां थोड़े से यहाँ पर एग्रेसिव हो गए, और एग्रेसिव होकर के ये भिड़ गए भाई अपनी बीबी से, इनको पता नहीं था, ये अपनी बीबी से जाकर के भिड़ गए, और इनको ये तो पता नहीं था इनकी जो बीबी है एकदम हस्त पुस्त हैं, और जो ये थे पतलू रैम की तरह थे। अब जब गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, कॉन्सेप्ट लगाइएगा अपने आप आंसर निकल जाएगा, ये क्या होती है, वायु हल्की होती है, और वहीं अगर हम ठंडी वायु की बात करें तो ये क्या होगी, अपेक्षाकृत भारी होगी भाई, यानी कि ये बीबी है, बीबी भयानक है, लेकिन इधर क्या है, ये हल्की है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पवन है इस तरह से, गर्म वायु है इस तरह से ऊपर उठ जाएगी, ओके, क्या होगी, गर्म वायु इस तरह से ऊपर उठने लगेगी भाई, और ठंडी वायु आपको देखने को मिलेगा वहां की भाई ऐसे सीने ताड़े खड़े रहेंगी यहाँ पर। तो देखिए जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी वायु ऊपर जा रही है, गर्म वायु ऊपर जा रही है, लेकिन एक गर्म वायु है ये एग्रेसिव हुई है, जब ये एग्रेसिव हुई है तब यहाँ पर जिस वाताग्र का निर्माण होगा वो कौन सा होगा, यही क्या है, फ्रंट है। देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं ना, दूसरे कलर से बना करके दिखाते हैं, वरना आप कहेंगे हमको ठीक से सारा दिख नहीं रहा है। फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने का हिस्सा। तो देखिए गर्म वायु और ठंडी वायु को कौन से सामने का हिस्सा, ये भैया सामने का हिस्सा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यही है उष्ण वाताग्र, यही क्या है, उष्ण वाताग्र, क्या है, उष्ण वाताग्र है, ओके। तो देखिए उष्ण वाताग्र है, सॉरी उष्ण वाताग्र। अब देखिए जहां पर उष्ण वाताग्र बनता है यानी कि गर्म वायु एग्रेसिव है, गर्म वायु के एग्रेसिव होने के कारण गर्म वायु हल्के हल्के ऊपर उठती है, क्यों, क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है इसीलिए वो ऊपर उठती है, भारी चीजें वो ऊपर नहीं उठती है। लेकिन जब ये एग्रेसिव होती है और इसको पीछे खिसकाने का प्रयास करती है तो इसको पीछे तो नहीं खिसका पाती, लेकिन क्या होता है, ये खुद ऊपर जाती है, लेकिन हल्के हल्के ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी भाई, क्या करेगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर जाएगी। अब देखिए जब ये धीरे धीरे से ऊपर जाएगी तब धीरे धीरे जाएगी ऊपर, तो धीरे धीरे बादलों का निर्माण करेगी, धीरे धीरे बादलों का निर्माण करेगी, तो यहाँ पर जिन बादलों का निर्माण होता है वो स्तरी बादल होते हैं, इस तरह से देखिए ये क्या होता है, स्तरी बादल होते हैं, वर्षा स्तरी बादलों का निर्माण होता है। अब देखिए जैसे ही हम आपको एक चीज बता दिए, वर्षा स्तरी बादलों का निर्माण होता है, अब आप पूरी गाथा हमें रामायण बता देंगे कि यानी कि जब उष्ण वाताग्र जहां पर बनता है तो उष्ण वाताग्र बनने के कारण गर्म वायु है उसका आरोहण होता है, और आरोहण होने से वर्षा स्तरी बादलों का निर्माण होता है, वर्षा स्तरी बादलों का निर्माण होता है तो वहां पर वर्षा होती है वो नंबर एक विस्तृत क्षेत्र में होती है। तो देखिए जहां पर उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा तो वहां पर वर्षा की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, वर्षा होगी वो धीमी गति से होगी, धीमी गति से वर्षा होगी, लेकिन आपको देखने को मिलेगा वर्षा है वो अधिक समय तक होगी, अधिक समय तक वर्षा होगी, और विस्तृत क्षेत्र में वर्षा होगी, विस्तृत क्षेत्र में वर्षा होगी,
ये चीज आपको देखने को मिलेगी। विद्युत गर्जन नहीं होगा यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा। इतना आपको क्लियर हुआ? तो देखिए, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जैसे कि एक है, मतलब एक पतला पतला बंदा आया लड़ने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े इंसान को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे। जैसे आप जाइए, आप हाथी को धक्का दीजिए, हाथी तो आगे नहीं बढ़ने वाला, वो नहीं हिलने वाला। आप क्या करेंगे, हल्के हल्के ऊपर खिसकने लगेंगे भाई, धक्का देते देते। तो वही हिसाब यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बीबी और पति में झगड़ा होता है, तो बीबी नहीं हटने वाली, कौन हट जाता है, पति ऊपर चला जाता है बेचारा, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पत्नी नहीं, वो कहती है ना यही ठीक है, तो यही ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको देखने को मिली। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, अब बीबी भी एग्रेसिव हो गई। अब देखिए, अब क्या होगा, अब इधर बीबी एग्रेसिव हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं अगर ठंडी वायु एग्रेसिव होगी तब क्या होगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, वाताग्री वर्षा के अंतर्गत ही है। तो देखिए वाताग्री वर्षा, तो देखिए इधर क्या है, गर्म वायु है भाई, बना देते हैं फिर से गर्म वायु, गर्म वायु। तो देखिए एक गर्म वायु है बेचारी, इस तरह से एक गर्म वायु है, ओके। तो देखिए ये क्या है, गर्म वायु है। अब ये पृथ्वी की सतह भी बना देता है। देखिए अब इधर क्या है, ठंडी वायु। अब ठंडी वायु क्या होगी, एग्रेसिव होगी इस बार। ये क्या है, ठंडी वायु। अब दोबारा से तो नहीं लिखना पड़ेगा ना कि ये कौन भारी है कौन हल्की है, जाहिर सी बात है जो ठंडी होगी वो क्या होगी, भारी होगी। इस बार कौन एग्रेसिव है, इस बार ठंडी वायु एग्रेसिव है। अब ठंडी वायु एग्रेसिव होगी ना, अब वो जाएगी ऐसे, अब जाएगी। और देखिए अब हाथी आपके लिए धक्का दे तो क्या होगा। अब बीबी देखिए, जब बीबी एग्रेसिव होती है ना, तो एकदम बेलन चप्पल सब चलता है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बीबी एग्रेसिव हुई है, मतलब ठंडी वायु एग्रेसिव हुई है, वो क्या है, हैवी है। अब वो क्या करेगी, ठंडी वायु, गर्म वायु तो हल्की है, वो फटाफट इसको ऊपर फेंकती है, फटाफट ऊपर फेंकती है। मतलब अब जब ये एग्रेसिव होगी ना, तो हल्की वायु आपको देखने को मिलेगा ना, तेजी से ऊपर जाएगी भाई, एकदम तेजी से ऊपर जाएगी। और ठंडी वायु क्या करेगी, तेजी से इसको इस तरह से विस्थापित करती हुई इसके अंदर घुसती चली जाएगी ऐसे ऐसे। और गर्म वायु बहुत तीव्र गति से ऊपर उठेगी, मतलब ये तीव्र गति से ऊपर उठेगी, तो इस तरह से बादलों का निर्माण करेगी। और ये जो बादल होंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगा, आपको जो बादल देखने को मिलेंगे वो कपासी बादल देखने को मिलेंगे, कपासी बादल देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, समझ गए ना, अब यहाँ पर किस वाताग्र का निर्माण होगा, शीत वाताग्र का निर्माण होगा। देखिए बना देता है, देखिए ये जो बना है, मतलब इस तरह से फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने का हिस्सा। तो देखिए जब ठंडी वायु एग्रेसिव होती है तो क्या बनता है, शीत वाताग्र बनता है। तो देखिए जहां पर शीत वाताग्र बनता है, तो वहां पर जो वर्षा होती है वो कपासी बादलों के द्वारा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म वायु तेजी से विस्थापित होती है ऊपर के लिए। आपको देखने को मिलेगा वायु का आरोहण होता है, तो तेजी से होने के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कपासी बादल। कपासी बादल की हमने आपको विशेषताएं बता दी थी, तो जाहिर सी बात है जहां शीत वाताग्र होता है वहां पर विद्युत गर्जन के साथ बारिश होगी, विद्युत गर्जन के साथ में बारिश होगी। कम आपको देखने को मिलेगा, कम मात्रा में होगी, मतलब मात्रा तो कम होगी लेकिन तीव्रता अधिक होगी, मतलब बहुत तेजी से बारिश होगी, तीव्रता अधिक होगी, ओके। और साथ में आपको देखने को मिलेगा सीमित क्षेत्र में होगी, ओके। और आपको देखने को मिलेगा सीमित क्षेत्र में होगी। अब देखिए सीमित क्षेत्र में होगी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा सीमित क्षेत्र के, कोई बच गया इसमें, जो भी बच गया वो आप लोग को ऐड कर लीजिएगा, वैसे ही बहुत बार बता चुके हैं। समझ गए आप लोग शीत वाताग्र के समय क्या क्या होगा, कौन कौन सी विशेषताएं होगी, समझ गए। तो यानी कि जहां पर वाताग्री वर्षा होती है वहां पर दोनों प्रकार के बादलों के द्वारा बारिश होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा देर तक भी बारिश देखने को मिलेगी, कम देर तक भी देखने को, विद्युत गर्जन के साथ भी देखने को मिलेगी, शांत बारिश भी देखने को मिलेगी, सब तरह की देखने को मिलेगी, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो कहां पर आपको वाताग्रों का निर्माण देखने को मिलेगा, तो हम आपको बताए थे इस तरह से प्यार से आप बना लीजिए पृथ्वी गोल गोल, और यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो हम आपको बताए थे जहां पर 60 डिग्री के समीप, 60 डिग्री के समीप, इधर भी आपको देखने को मिलेगा 60 डिग्री के समीप क्या होता है, पवने आकर के यहाँ पर आपस में अभिसरण करती हैं, इधर हाई प्रेशर से आती हैं इधर से, और इधर से इस तरह से इधर से जाती हैं, 30 डिग्री से आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, ये जो वाताग्रों का निर्माण करती है भाई, ओके, इस तरह से वाताग्रों का निर्माण करती है भाई, ओके, कुछ इस तरह से बना देते हैं जल्दी से। तो देखिए जो ए वाला रीजन है, ये यहाँ पर क्या बनना है, वाताग्र बनना है,
वातावरण निर्माण हो रहा है। ओके, और इधर वाली जो आपको दिख रही है नीचे वाली जो है ये क्या है, गर्म वायु है। ये क्या है, गर्म वायु है। ओके, तो इधर गर्म वायु तो इधर ये किसका निर्माण करेगी, ये उष्ण वातावरण का निर्माण करेगी। ओके, और देखिए इधर ये क्या है, ये आपको ठंडी वायु देखने को मिलेगी, ये ठंडी वायु है। तो अगर ये आक्रामक होगी तो ठंडी वायु किसका निर्माण करेगी, शीत वातावरण का निर्माण करेगी। समझ गए आप लोग। तो इस तरह से अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जो पछुआ पवन होती है ये अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगी गर्म होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, गर्म होती है। तो पछुआ पवनों के द्वारा जो वर्षा कराई जाती है वो ज्यादा कराई जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि पछुआ पवन क्या होती है, गर्म होती है, इसके पास आर्द्रता ज्यादा होती है। जैसे ये ठंडक क्षेत्र में प्रवेश करती है, देखिए आपको बताते हैं, देखिए ये पछुआ पवन है, जैसे जैसे आक्रामक होकर के इस ठंडे क्षेत्र में जाती है तो ठंडे क्षेत्र में जाकर के इसका जो तापमान होता है वो इस क्षेत्र का बढ़ा देती है, तो इसको आर्द्रता ज्यादा मिल जाती है। तापमान और प्लस आर्द्रता ज्यादा होने के कारण तापमान जैसे इस क्षेत्र का बढ़ता है तो आर्द्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है। विशिष्ट आर्द्रता के बढ़ने से वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा पछुआ पवनों के द्वारा ज्यादा वर्षा कराई जाती है। और ठंडी जो वायु होती है जो ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, ध्रुवीय पूर्वी पवनों के द्वारा जो वर्षा कराई जाती है, वातग्री वर्षा, वो आपको देखने को मिलेगी, अपेक्षाकृत कम आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए बहुत ही एकदम लॉजिकली आप समझेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ कितना भी दीजिए तब भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए किसी का मजा नहीं कि आपको क्वेश्चन गलत करा दे। तो चलिए 5 मिनट में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज समझाते हैं। तो देखिए वर्षा कहाँ पर होती है, तो देखिए ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा एक रेखा है, इधर 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। एक्चुअली मेरे सीने में बहुत ज्यादा चुभन हो रही है क्योंकि ठंड लग गई है लगता है मुझको, इस वजह से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री दिख रहा है, इधर 90 डिग्री, इधर आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। साथ में हम आपको बताए थे 30 डिग्री, यहाँ पर बताए थे 60 डिग्री, और यहाँ पर आपको बताए थे 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको बताए थे 60 डिग्री। और मानते हैं ये विषुव की स्थिति है, किसकी स्थिति है, विषुव। विषुव के समय सूरज कहाँ लंबवत होता है, 0 डिग्री पे लंबवत होता है। तो देखिए विषुव के समय जब 0 डिग्री पे लंबवत होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तापमान विषुव के समय ज्यादा होगा, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ पर पवन है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, मतलब गर्म होकर के कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे लो प्रेशर का निर्माण करेगी। और देखिए जब पवन है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तब यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, तो और कौन सी वर्षा होगी, यहाँ पर संवहनीय वर्षा होगी। ओके, कहाँ पर, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ओके, देखिए लो प्रेशर में क्या होगी, वर्षा होगी, मस्त एकदम झमाझम वाली बारिश होगी, डेली बारिश होगी, एकदम आपको देखने को मिलेगा शाम को डेली बारिश होगी, यहाँ पर दोपहर के बाद में समानता बारिश होती है। ओके, अब देखिए हम आपको बताए थे 30 डिग्री समीप यही क्या होती है, पवन आगे जाती है, लेकिन एक विक्षेपक बल लगता है, विक्षेपक बल के कारण अभिकेंद्रीय बल होता है, जो अभिकेंद्रीय बल के कारण पवन क्या होती है, नीचे आती है। यहाँ पर 30 डिग्री के समीप पवन क्या होती है, नीचे आने लगती है। जब नीचे आती है तब यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, और इधर भी आपको इसी तरह से पवन नीचे आती है, पवन नीचे आएगी तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर का निर्माण होगा। अब देखिए जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पर पवन क्या कर रही है, नीचे आ रही है भाई। आपको बताए थे पवन नीचे आएगी तब इसमें क्या होगा, आइडियाबेटिक हीटिंग होगा, आइडियाबेटिक हीटिंग की वजह से इसमें तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वायु कभी संतृप्त नहीं होगी, क्योंकि तापमान के बढ़ने से वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी तो वायु कभी संतृप्त नहीं होगी, संतृप्त नहीं होगी तो कभी उच्च वायु दाब पेटी जहां पर होगी वहां पर वर्षा नहीं होती है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब विषुव का समय होगा ना तो यहाँ पर 30 डिग्री के समीप का जो क्षेत्र होता है, मतलब उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां बारिश नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, जो 30 डिग्री से पछुआ पवन इधर से जाती है और इधर से ध्रुवीय पूर्वी पवन आती है, इस तरह से
आपको ध्यान होगा, क्या हो गया, क्लास चल रहा है ना, किधर वर्षा हो रही है, एक्चुअली किसी का फोन आ रहा है, कोई बात नहीं बचने दो, आप लोगों के लिए आवाज तो नहीं आ रही है, अब माइक निकालना पड़ेगा, एक्चुअली घर से फोन आ रहा है, आप लोगों के लिए आवाज तो नहीं आ रही है, एक बार बताइएगा, आप लोग बताइए आ रही है, ओके कोई बात नहीं, एक्चुअली वो उधर एक फोन लगा हुआ है तो उसमें आ रही है, ओके अभी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, देखिए आपको एक मिनट में अभी समझा देंगे, रुकिएगा, अभी देखिए, अब इधर पर क्या होता है 60 डिग्री के समीप, अब 60 डिग्री के समीप क्या होता है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन होती है, ये आती है और अभिसरण करती है, और अभिसरण करके क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, मतलब यहाँ पर आपको पता है वाताग्रो का निर्माण होता है, यानी कि लो प्रेशर का यहाँ पर निर्माण होगा, यहाँ पर ही वर्षा होती है, वो कौन सी वर्षा होती है, वाताग्री वर्षा होती है, हम आपको बताए थे अभी जस्ट आपको पढ़ा रहे थे, तो वाताग्री वर्षा होती है, और यही जब जाता है और इधर घूम जाता है और नीचे यहाँ पर नीचे पवन आती है, क्योंकि ध्रुवों के पास में तापमान कम होता है, तापमान कम होने के कारण वायु नीचे आती है, वायु अगर नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है वायु नीचे आएगी तो इसमें आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होगा, आइडियाबेटिक हीटिंग होगा तो वायु कभी संतृप्त नहीं हो सकती, वायु अगर संतृप्त नहीं होगी तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो जलवाष्प जल में नहीं बदलेगी, जलवाष्प जल में नहीं बदलेगी तो बारिश नहीं होगी, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है, 30 डिग्री पर भी बारिश नहीं होगी, 30 डिग्री के पास में बारिश नहीं होगी, 60 डिग्री के पास में वाताग्री वर्षा होगी, यहाँ भी क्या होगी वाताग्री, क्योंकि ये वाला ही तो है वाताग्री वर्षा होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पवन ऊपर जा रही है, पवन ऊपर जा रही है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है लो प्रेशर का निर्माण होता है, ये तो आपको पता है, तो ये भी सेम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर जहां पर होता है वहां पर वर्षा नहीं होती है, तो देखिए वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर नहीं होती है, ये क्या हो गया, ये अक्षांशीय वितरण हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या 30 डिग्री पे कभी वर्षा ही नहीं होती सर, ओके देखिए वर्षा कहाँ नहीं हो रही है, एक तो 30 डिग्री के समीप नहीं हो रही है, 30 डिग्री के समीप नहीं हो रही है, और 90 डिग्री के समीप बारिश नहीं हो रही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर बारिश ही नहीं होती, तो आप लोगों के लिए बताई थी ये कौन सी स्थिति है, ये विषुव की स्थिति है, कौन सी स्थिति है, ये विषुव की स्थिति है। अब आपको पता है सूरज है वो साउथ में और नॉर्थ में क्या होता है, उसकी स्थिति होती है उसका उत्तरायण दक्षिणायन होता है, मतलब शिफ्टिंग होता है थोड़ा सा, ओके वैसे समानता सूरज है वो शिफ्ट नहीं करता है लेकिन उसकी स्थिति है वो बदलती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है एक अक्ष पे झुकी हुई है, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, और परिक्रमण भी कर रही है वो आपको देखने को मिलेगा, तो इस वजह से, तो देखिए विषुव के समय तो ये स्थिति होती है, जैसे ही विषुव के समय से हल्के हल्के सूरज होता है ना वो नॉर्थ या साउथ में हल्के हल्के समय के साथ में शिफ्ट करता है ऋतु परिवर्तन के साथ, तो देखिए ये जो पेटियां है ना ये भी हल्के हल्के शिफ्ट करती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरी पृथ्वी पर बारिश होती है। देखिए अगर मानते हैं इस ये नॉर्थ मान लेते हैं, इधर नॉर्थ है या साउथ है, अगर मानते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर अगर हल्के हल्के सूरज शिफ्ट कर रहा है, तो देखिए अगर सूरज यहां तक अगर शिफ्ट किया मतलब 30 डिग्री मतलब 30.5 डिग्री तक अगर शिफ्ट किया, तो ये बेल्ट है ना ये पूरी बेल्ट यहाँ पर, अब देखिए जो ये वर्षा हो रही थी वो कहाँ पर होगी, अब ये वर्षा यहाँ पर होगी मतलब 30 डिग्री के समीप होगी, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके तो ये भी है हाई प्रेशर, अब कहाँ चला जाएगा ये खिसक के थोड़ा सा इधर आ जाएगा मतलब 45 डिग्री के आसपास में आ जाएगा, और ये लो प्रेशर बेल्ट है ये कहाँ चली जाएगी लगभग में इधर चली जाएगी, तो ये इधर बारिश करा देगी। अब इसी तरह से जब अब सूरज फिर से लौट करके आएगा 0 डिग्री को, तो फिर से क्या होगी सारी बेल्ट ऐसे खिसकेंगी। अब देखिए अब ये साउथ में भी तो जाएगा मकर रेखा के इधर भी तो जाएगा सूरज, जब मकर रेखा के इधर जाएगा तो ये बेल्ट जो पहले यहाँ पर थी हल्के हल्के यहाँ पर आ जाएगी और इधर फिर बारिश कराएगी, खूब झमाझम बारिश कराएगी, सामान्य वर्षा कराएगी। अब देखिए इसी तरह से ये वाली जो बेल्ट है जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वो भी तो खिसक के आगे जाएगी ना, मकर रेखा के इधर हल्के हल्के सूरज जा रहे तो ये भी हल्के हल्के खिसकेगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा हर जगह हल्के हल्के बारिश होती रहती है, ये है अक्षांशीय वितरण। अभी देखिए टाइम भी पूरा हो गया और हमारी मम्मी हैं पापा हैं वो भी हमको याद कर रहे हैं, ऐसे तो कम ही याद करते हैं आजकल, पता नहीं आज ज्यादा प्यार आ रहा होगा मम्मी पापा को हमारे ऊपर, तो देखते हैं कि वो कॉल करेंगे तो देखते हैं। आज आप लोगों के लिए मैसेज नहीं देख पाए आप लोगों के,
और कल हम लोग वातागिरी या फिर जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आपका टॉपिक है वैसे तो जलवायु, जब हम जलवायु अध्ययन आपको करा रहे होंगे तो वहां पर आपको वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपको देखना है पूरी पृथ्वी पर कहां पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, ये आपका टॉपिक है, कहां पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये आप लोगों का टॉपिक है। यहाँ पर विवेक पूछ रहे हैं सर, ये आप जो वीडियो थे आप किस सिटी से लाइव करते हैं? हम इलाहाबाद सिटी से इसको लाइव करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों के लिए क्लासेस कैसी लगती हैं? वैसे तो आप लोगों को मतलब बुक्स वुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देते हैं कि आपको मजा आएगा। मतलब ये जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ेंगे वो आपको हलवा की तरह लगा करेंगे, ऐसे लगेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड तो हम बना लेते हैं उस चीज को। ओके, बहुत मस्त है आप लोगों के लिए, देखिए अच्छे समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बता दीजिए, वो क्लियर कर दिया जाएगा, और अन्यथा हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। अभी आप लोगों की ये क्लास ऑफ रहेगी, मंगलवार को शायद आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। मंगलवार को हमारी सिस्टर जा रही है, उनका जो पेपर था मतलब यूपीटेट का, वो पेपर है 23 को, तो 23 को पेपर होगा तो 24 को ट्रेन हमने बुक की है, तो हमको छोड़ने जाना पड़ेगा। जैसे पहले हम वो वीडियो बनाए थे ना, शॉर्ट वीडियो, हमने देखा होगा दीदी छोड़ने गए थे रात में, तो वैसे फिर से हमें दीदी को ले जा करके छोड़ना होगा, इस बार शाम को छोड़ने जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम स्टेशन पर होंगे तो आप लोगों की क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, न्यू जैकेट सर? नहीं, जैकेट हमारी ये बहुत पुरानी है, ज्यादा मतलब हम इतने अमीर रहे कि डेली एक एक जैकेट बदले, नहीं, ये हमारी पुरानी जैकेट है, आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आपको, अरे ये क्या हो गया, रुक गई हमारी वीडियो, वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है। ओके, चलिए हम इस वीडियो के यहाँ पर फिनिश करते हैं, अगर आप लोगों के डाउट है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा गुड नाइट। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ ऐसे ही रटवा देंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि बुक्स निकाल रहे हैं ऐसे पलट रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। तो चलिए क्लास को यहाँ पर ही ओवर करते हैं। ओके।